हमारा मंत्र है सबका साथ सबका विकास, हमारा मंत्र है विकास विकास विकास, और उनका कारोबार है झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। फ्रांस का राष्ट्रपति पत्रकारों को कह रहा है, खुल के कह रहा है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोर है। काम करने वाली सरकार चाहिए कि काम रोकने वाले लोग चाहिए। आज के भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की बात क्यों नहीं की? गलती से कर देते ना, फिर भगा देती स्टेट से। नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। मेहुल चौकसी 35,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। ललित मोदी लाइन लगी हुई है। चुनाव में लड़ रहे कांग्रेस के लोग जवाब दें कि आप उन अर्बन माओवादियों की रक्षा के लिए बयानबाजी करते हो। आइए, आपके सपने हमारा पसीना, आपके सपने हमारा पुरुषार्थ, आपके सपने हमारा संकल्प, आप मिलकर के चल पड़े। अगर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मित्रों, मैं आपसे कह सकता हूं ओबीसी को यहां से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़े। निजाम की तरह ओबीसी को भगाऊंगा? अरे तू क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरी दिशा क्या, तमाशे का दिखता है। किस्मत से चीफ मिनिस्टर भी बन गया, तेरे जैसे 56 आए चले गए। अरे ओवैसी तो छोड़ो, ओवैसी की आने वाली 1,000 नस्लें भी इसी मुल्क में रहेंगी, तुझसे लड़ेंगी, तुझसे मुकाबला करेंगी, तुझे भगाएंगी। हम भागने वालों में से नहीं है। ये हिंदुस्तान मेरे बाप का मुल्क है, कोई नहीं निकाल सकता। हिंदुस्तान मेरे अब्बा का मुल्क है। जी हाँ, ये बयान थे ट्रेलर 2019 से पहले 5 राज्यों के चुनाव और चुनाव से पहले आपने देखे ये बयान, जो कि बताते हैं कि आखिरकार ये 5 राज्यों के चुनाव में हार और जीत के मायने क्या है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों पर देश भर की निगाहें लगी हुई हैं, जिसे आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि चुनावी नतीजों का ऐलान 11 दिसंबर को होना है, पर एग्जिट पोल में कयासों की धुंधली तस्वीर अब सामने आने लगी है। मध्य प्रदेश 230 सीटें, छत्तीसगढ़ 90, राजस्थान 200 और दूसरी तरफ 200 में से 199 सीट पर चुनाव, क्योंकि एक आकस्मिक निधन हो गया था। उसके बाद तेलंगाना की बात करें तो 119, जबकि मिजोरम में 40 सीटों पर चुनाव हुए। और ऐसे में अब नतीजे 11 तारीख को आएंगे, लेकिन 11 वाकई में 2019 की झलक दे जाएगा। तो चलिए, अगले एक घंटे में हम आपको दिखाएंगे पूरी की पूरी तस्वीर, आंकड़ों की जुबानी, आखिरकार आंकड़े कहते क्या हैं, समझाएंगे आपको कि आखिरकार क्या कहते हैं आंकड़े और क्या कहती है इन 5 राज्यों की चुनावी तस्वीर। चलिए, किसका होगा राज तिलक, किसकी बनेगी सरकार और क्या वाकई में 2019 से पहले का यह सेमीफाइनल है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और तमाम जो इस वक्त आंकड़े सामने आ रहे एग्जिट पोल के, उसी पर ही जिक्र करेंगे। आज बात होगी सत्ता के सेमीफाइनल की। सत्ता के सेमीफाइनल का जिक्र किया जा रहा है, आखिरकार क्यों, ये 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आखिरकार कहते क्या हैं और क्या वाकई में जो एग्जिट पोल कहते हैं वो सच कहते हैं। ओपिनियन पोल कुछ और, एग्जिट पोल कुछ और आप भी कंफ्यूज, लेकिन आज कंफ्यूजन की स्थिति होगी दूर, क्योंकि आज हमने ना तो इस पैनल में बीजेपी को बुलाया और ना ही हमने कांग्रेस को। आज होंगे तमाम चुनावी विशेषज्ञ हमारे साथ। आपको बता दें, सबसे पहले उन्हीं से आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ अजीत शुक्ला जुड़े हुए हैं, चुनावी विशेषक हैं, साथ साथ
सुमित सिंगल हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, एके मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विशेषज्ञ, और साथ साथ हमारे साथ मनोज कुमार जी जुड़े हुए हैं जो कि इंडिया वॉइस के सीईओ हैं। आपको बता दें कि आज एक एक करके जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उनकी तस्वीर भी हम आपके सामने रखेंगे। तमाम चैनल्स ने जो एग्जिट पोल दिए हैं वो क्या कुछ कहते हैं और किस तरह से आकलन किया जा सकता है उन एग्जिट पोल का, वो तमाम आंकड़े धीरे धीरे करके हम आपके सामने रखेंगे। पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे कि आखिरकार ये पांच राज्यों के चुनाव क्या वाकई में सेमीफाइनल कहे जा सकते हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे इस वक्त जो पैनल में हमारे साथ सुमित जी हैं। सुमित जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं, हम सत्ता का सेमीफाइनल हम इसे कहें यस और नो? ना कह सकते हैं। मुझे लगता है कि ये विधानसभा के चुनाव जो हैं ये तय नहीं कर सकते कि लोकसभा में क्या होगा। लोगों का गुस्सा, लोगों का रुझान वो दिखेगा जरूर, लेकिन मोदी वर्सेस राहुल को ये सेमीफाइनल नहीं कहा जा सकता। अभी बहुत समय है, ये एक रुख दिखा सकता है और करेक्शन दिखा सकता है, लेकिन ये अगर आप कहें पूरी तरह से ये सेमीफाइनल है तो ये सेमीफाइनल नहीं है। ये एक तरह का रुझाव दिखा सकता है लेकिन फाइनल ये नहीं है। आपको ये लग रहा है कि सत्ता का फाइनल सेमीफाइनल से कहना जल्दबाजी होगा या फिर नतीजों का कोई असर नहीं पड़ेगा? असर पड़ेगा, असर बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन ये सेमीफाइनल के तौर पे नहीं कहा जा सकता। लेकिन इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि देश किस तरफ जा रहा है, और बीजेपी अगर मान लीजिए हार जाती है जैसे कि एग्जिट पोल्स में लग रहा है, बीजेपी के पास समय है करेक्शन का। दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस जो दिख रही है, जैसे मध्यप्रदेश में आंकड़े साफ अभी भी नहीं दिख रहे हैं, अगर मध्यप्रदेश में जो कि बीजेपी का गढ़ है और कांग्रेस को ये मौका इतना स्ट्रांग मिला है कि अगर कांग्रेस अभी भी नहीं आ पाती तो कांग्रेस को करेक्शन का भी मौका मिलता है कि वो किन मुद्दों पे बोले, या राहुल गांधी को जिस तरीके से बात करनी चाहिए उसमें इंप्रूवमेंट लाना है या नहीं लाना है। ठीक है अजीत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं ताकि मैं छोटा छोटा कमेंट लेकर जो तस्वीर जो सामने आ रही है वो दर्शकों के सामने रखूं। आपसे मेरी प्रतिक्रिया ये है कि जब पूरी तरह से चुनावी मुद्दे जो थे वो राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा गया जहां पे जो है स्थानीय मुद्दे कम दिखाई दिए, फिर भी हम ये कहें कि सत्ता का सेमीफाइनल नहीं है, क्यों? नहीं, मुद्दे जो अभी जो इलेक्शंस हुए हैं वो ज़्यादातर राज्य सरकार से जुड़े हुए थे। अगर वही सवाल जो एग्जिट पोल में इन लोगों ने या ओपिनियन पोल किए, अगर वहाँ पे वो सवाल पूछे जा रहे थे कि आप केंद्र में किसको वोट देना चाहते थे तो उसका उलट जवाब आता था, चाहे वो राजस्थान का सर्वे हो या मध्य प्रदेश का सर्वे हो या छत्तीसगढ़ का सर्वे हो। ये इन जगहों पे जब पूछा जाता था कि आप विधानसभा में किसे वोट देंगे और लोकसभा में वोट किसे देंगे, तो लोकसभा में ये लोग मोदी को पसंद कर रहे थे, विधानसभा में ये सरकार बदलना चाह रहे थे। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि लोकसभा और विधानसभा से इसको कनेक्ट करके देखा जाएगा। 1967 में भी ऐसा हुआ था, 1967 में भी इस तरह के रुझान आए थे और बाद में भी कई राज्यों में ऐसे रुझान आए हैं, रिसेंट हिस्ट्री में भी ऐसे आए हैं कि राज्य सरकार में लोगों ने किसी और को वोट दिया है और केंद्र सरकार में किसी और के लिए वोट किया। जैसे आप राजस्थान का एक बहुत बड़ा उदाहरण, और ये 83 सीटों का चुनाव है, अगर हम 543 सीटों से अगर तुलना करें तो ये 1/4 भी नहीं होता है, तो इसको सेमीफाइनल कैसे कह सकते हैं? हाँ, जैसे कि आजकल चल रहा राजस्थान में वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे वैर नहीं। ये एके मिश्रा साहब, क्विक रिएक्शन जल्दी से, फिर मनोज जी मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं शुरू करूंगा। मैं इसको बहुत स्ट्रांग वे में जो है इसको सेमीफाइनल मानूंगा, उसके पीछे रीजन है। देखिए, नो डाउट स्टेट और नेशनल लेवल के जो इलेक्शन होते हैं उसमें मतदाताओं का जो मनोभाव होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन इतना जरूर है कि इससे इतना पता चलेगा कि अगर बीजेपी हार गई तो मे बी पॉसिबल कि बीजेपी इलेक्शंस को 2-4-6 महीने और डिले करा दे ताकि करेक्टिव एक्शन ले, जो डेंट हुआ है इमेज को उसको वो इंप्रूव करें, कुछ कैंपेन कुछ काम करके दिखा सके। अगर कांग्रेस यहां पे जीतती है, यानी बीजेपी अगर हारती है तो कांग्रेस जीतेगी, तो कांग्रेस का मनोबल जो है बड़ा ऊंचा होगा। कहने का मतलब यह है, हारे जीते कोई भी, हम उस पर बाद में बात करेंगे क्यों होगा, लेकिन जो भी पार्टी हारेगी, अगर बीजेपी यहां जीत गई बहुत अच्छे मार्जिन से या बहुत अच्छे तरीके से, हो सकता है 2 महीने में ही, जनवरी फरवरी में वो इलेक्शन करा दे, क्योंकि जो वेव क्रिएट हुई है, जो मनोभाव लोगों में डेवलप हुआ है, बीजेपी उसको इनकैश करेगी। यूपी में इलेक्शन उन्होंने जीता तो गुजरात में उसको इनकैश किया योगी जी को ले जा करके। तो ये बहुत कुछ, अब देखिए, अब आप इसको ये बोलिए कि दिल्ली का इलेक्शन इससे दूर नहीं है, जो यहाँ पे हो रहा है वही चीज सारी चीजें डिसाइड करेंगी दोनों पार्टियों की। और पहली बात, ये बीजेपी वर्सेस राहुल गांधी नहीं होगा, मोदी वर्सेस राहुल गांधी, बीजेपी प्लस वर्सेस विपक्ष का ये इलेक्शन होगा आपका 2019 का, सारी पार्टियां एक होगी। तो मैं इसको सारी विपक्षी समाजवादी पार्टी वगैरह भी, रीजनल पार्टी भी इसके ऊपर निगाह लगा के बैठी है, और इसी के परिणामों से ये डिसाइड होगा कि कौन कितने पानी में है। ठीक है मनोज जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि आंकड़ों की जुबानी आप हमें पूरी की पूरी कहानी आगे समझाएंगे, लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है, सत्ता का सेमीफाइनल यस और नो?
देखिए, मैं दो सुमित जी और अजीत जी दोनों से मैं एग्री नहीं हूं। इस हिसाब से मैं एके मिश्रा जी के साथ ज्यादा एग्री हूं कि जो ये चुनाव है, पार्लियामेंट इलेक्शन के पहले भी 5 स्टेट ने आपने लड़ा और जीता और एक माहौल बना और मोदी जी ने उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट उठाया। यदि ये 3 स्टेट आप हारते हैं, चौथा भी तेलंगाना है और 5वां मिजोरम है, यदि इन स्टेट में बीजेपी नहीं आती है तो एक चीज जान के रहिए कि सेंट्रल की जो सरकार है वो प्रेशर में आएगी। जैसे अजीत जी ने आपको एक तरफ ध्यान दिलाया कि लोगों का कहना था कि भाई राज्य सरकार से हमारी नाराजगी है और केंद्र सरकार से हमारी कोई नाराजगी नहीं, मोदी से कोई नाराजगी नहीं। देखिए, दो चीजों को ध्यान रखिए। पिछले चुनाव जो लोग उत्तर प्रदेश को कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बंपर बीजेपी की जीत हुई थी, मेरा मानना था कि वो नोटबंदी की जीत हुई थी, न कि भाजपा की जीत हुई थी, न किसी सरकार की जीत हुई थी। अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस से कांग्रेस गुजर रही है, यदि ये 3 स्टेट में उसकी सरकार बनती है, ये उसके सबसे बड़ा फाइनेंशियल प्रोटेक्ट होगा और आगे आपको लड़ने के लिए, व्यवस्था करने के लिए सारी चीजें होंगी। दूसरी बात है, देखिए, नेता कभी भी बुद्धिमान नहीं होता, जनता बुद्धिमान होता और जनता ही नेता को बुद्धिमान बनाता है। आज हम पप्पू चाहे जितना बोल लें, कुछ भी बोल लें, उदाहरण के तौर में मोदी जी जब तक मुख्यमंत्री नहीं थे तो ऐसा नहीं था कि उनके ऐसा कोई नेता इस देश में नहीं था, बहुत सारे लोग आए। और मेरा अभी मानना है कि यदि ये 3 स्टेट जीतेंगे तो ये जो छवि है उनकी, राजीव गांधी की, वो छवि धुलेगी राहुल गांधी की, और इस छवि के बाद वो जब इलेक्शन में जाएंगे तो उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आपने देखा है कि लोगों का ऐसा नहीं था कि अब जो पहले उनकी पप्पू वाली इमेज थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, और अजीत जी भी आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे क्योंकि आंकड़े यही ज्यादा इकट्ठा करते हैं। ठीक, आंकड़ों की जुबानी अब कहानी को समझेंगे। ये एक्सपर्ट्स की राय हमने आपके सामने रखी। कोई कहता है सत्ता का सेमीफाइनल मानिए, कोई कहता है ना मानिए, हर किसी का अपना अपना तर्क। लेकिन रुक करते हैं आंकड़ों की ओर। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की तस्वीर क्या कहती है? सबसे पहले आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर अलग बना, और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ राज्य है, वहां पर विधानसभा की 90 सीटें हैं। हालांकि शुरुआती दौर में यहां कहा जा सकता है कि बीजेपी की स्थिति खराब बताई जा रही थी, पर राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री एक तरफ जो है रमन सिंह और दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने खड़े हैं अजीत जोगी और मायावती, साथ मिलकर जो है सीधे तौर पर क्या नुकसान पहुंचा रही है। ये उत्तर छत्तीसगढ़ की तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। कौन कौन सी सीटें कहां पर क्या क्या इफेक्ट डाल सकती है, सबसे पहले हमने आपके सामने वो तस्वीर सामने रखी है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी सीटें आती हैं, और फिर उसके बाद उत्तरी छत्तीसगढ़ की 34 सीटों में से बीजेपी, कांग्रेस और अन्य, यहां पर आपको बता दें कि 16 सीटें, 18 सीटें और साथ साथ जो है शून्य सीट जो है अन्य के खाते में, लेकिन यहाँ अन्य का फैक्टर भी आपको बताएंगे। आगे बता रहे हैं मध्य छत्तीसगढ़ की ये तस्वीर, जहां पर 43 सीटें आती है, तमाम जिले हम आपके सामने रख रहे हैं। और इसके साथ साथ वोटिंग परसेंटेज आप देखिए, बीजेपी को 45%, कांग्रेस को 33, अन्य 22। ये एक आकलन लगाया जा रहा है, ये आकलन के आधार पर हम आपको तस्वीर बता रहे हैं। और अलग अलग क्या कुछ कहते हैं चैनल्स के एग्जिट पोल, वो हम आगे आपके सामने रखेंगे। लेकिन कुल 90 सीटों पर 42%, 37%, 21%, यानी कि 90 में से 50 सीटें बीजेपी के खाते में आ सकती हैं और 35 कांग्रेस के खाते में और 3 अन्य के खाते में। अब आगे बढ़ के हम आपको दिखाते हैं कि एग्जिट पोल क्या कुछ कहता है। ये एग्जिट पोल की तस्वीर आपके सामने है। अगर हम बात करें एग्जिट पोल की तस्वीर, तो वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन यहां पर जो 2013 विधानसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं कि क्या कुछ कहते हैं, लेकिन ये तस्वीर छत्तीसगढ़ की अभी ये छोटी सी झलक है, पूरी की पूरी कहानी हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले रुख मनोज जी हम आपसे करेंगे छत्तीसगढ़ की तस्वीर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जाकर आपने खुद कहानी को समझा है, देखा है, लोगों से बात की है और वहां के हालात को समझा है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या कहता है छत्तीसगढ़ के आंकड़े? तिलक, जब हम लोग छत्तीसगढ़ गए थे, सारे लोगों ने एक चीज जो वहां दिखा कि रमन सिंह का चेहरा गंदा नहीं हुआ था, और जो वोट थे, जो वोटर थे, वो उनके साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने 2-3 चीजें स्वीकार किया। एक, उनका जो पीडीएफ प्रणाली था, गांव में हम लोग गए, लोगों ने कहा कि नहीं, उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। शहरों में गए, लोगों ने कहा सड़क मिला, बिजली मिला, लॉ एंड ऑर्डर भी कुछ सुधरा है, अधि नक्सलाइट एरिया को, बस्तर वाला जो रीजन है उसको छोड़ दिया जाए तो। लेकिन तिलक, जब हम लोग शो करते थे और लोगों के बीच में जाते थे, तो हमारे जितने यूथ थे, जो वहां पे 4.5 लाख इस बार नए वोटर आए हैं, उसमें के जो वोटर आते थे ये बोलते थे, सड़क तो दिया आपने, बिजली तो दिया, लेकिन आपने रोजगार नहीं दिया है। सड़क और बिजली मेरे रोजगार नहीं होने के कारण कितना ये नुकसान पहुंचा रहा है।
वही हाल जो किसान थे वो कहते थे कि भाई हम तो ठीक है यहाँ पैदावार कर रहे हैं, पैदावार दे दे रहे हैं, क्या मेरा भी बेटा बस यही खेती करेगा? ना स्कूल है, शिक्षा की ना व्यवस्था है, ना हॉस्पिटल है, हम कहाँ जाएं और कैसे जाएं? ये बड़ा दुखद वो घटना था और यही कारण है कि वहां पे मैं जो देख रहा था कि नए वोटर थे वो कहीं ना कहीं बीचे बीच से पीछे हटे हैं। ठीक, आप ये कह रहे हैं बीजेपी से पीछे हटे हैं, लेकिन जो टैली अब तक सामने आई है, जब टैली पे भी नजर डाल लेते हैं, फिर सुमित जी मैं आपके पास आ रहा हूं, यहां टैली दिखाते हैं दर्शकों को, छत्तीसगढ़ की जो टैली अब तक सामने आई है, कौन कौन से जो नतीजे हैं वो बताते हैं कि आखिरकार जो चैनल्स बता रहे हैं एग्जिट पोल की तस्वीर क्या है छत्तीसगढ़ में, जो एक बार जो है फिर से बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, क्या ये वाकई में सही है? एग्जिट पोल के मुताबिक एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन सकती है, लेकिन यहां पर असली नतीजा 11 दिसंबर को आएगा, लेकिन उससे पहले की तस्वीर आपके सामने। इंडिया टुडे का एग्जिट पोल क्या बताता है, कहता है कि 21 में से 41 सीटें बीजेपी को मिल रही है, जबकि कांग्रेस बता रही है कि 55 से 65 सीटें, और वहीं अदर्स यानी कि अन्य के खाते में जा रही है 4 से 8 सीटें। वहीं टाइम्स नाउ की अगर हम सर्वे की बात करें, एग्जिट पोल की बात करें, तो 46 सीटें बीजेपी को मिल रही है और कांग्रेस को मिल रही है 35 सीटें, जबकि जनता कांग्रेस के खाते में आ रही है 7 सीटें और अन्य 2 सीटें। आप आगे बढ़ते हैं, इंडिया टीवी का एग्जिट पोल देखिए, 42 में से 50 सीटें मिल रही है बीजेपी को और इसके साथ साथ 32 से 38 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं, जबकि जनता कांग्रेस को 6 से 8 सीटें और अदर्स यानी कि अन्य को 1 से 3 सीटें। अब एबीपी का एग्जिट पोल देखिए छत्तीसगढ़ पर, ये आपको एक बार फिर से साफ कर दें, ये छत्तीसगढ़ की तस्वीर है जहां पर एबीपी बता रहा है कि 52 सीटें जो है बीजेपी को मिल सकती हैं, जबकि 35 सीटें जो है कांग्रेस को और अदर्स को 3 सीटें, और रिपब्लिक का सी वोटर का जो आंकड़ा है वो भी आप देखिए एग्जिट पोल का, 35 में से 43 बीजेपी और जबकि 42 में से 50 सीटें जो है, 42 से 50 सीटें जो है वो कांग्रेस को मिल सकती हैं और 3 से 5 सीटें जो है वो जनता कांग्रेस को मिल सकती हैं। न्यूज 24 का भी आंकड़ा आप देखिए और उसमें भी पीस मीडिया का ये एग्जिट पोल है जहां पर 36 से 42 सीटें दिखाई जा रही हैं बीजेपी की, 45 से 51 सीटें कांग्रेस की और 4 से 8 सीटें अदर्स। कुल मिलाकर यह तस्वीर अलग अलग एग्जिट पोल की, लेकिन बीजेपी के लिए राहत भरी खबर छत्तीसगढ़ से मिल सकती है। सुमित जी, सबसे पहला आपका रिएक्शन इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस हिसाब से अगर हम आंकड़ों को देखें और समझें तो क्या वाकई में अजीत जोगी फैक्टर काम किया भले ही सीट ना लेकर आए हो? देखिए दो बड़े मुद्दे हैं, ये दो बड़े मुद्दे ये हैं, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। जब छत्तीसगढ़ फॉर्म हुआ था तब कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत थी और अजीत जोगी का एक बड़ा बहुत ही मजबूत नाम था, वो नाम कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है और कांग्रेस से हटने के बाद वो कांग्रेस के ही वोट काट रहे हैं, तो अजीत जोगी फैक्टर ने बीजेपी को हमेशा से ही फायदा दिया है। दूसरा एक बड़ा मुद्दा ये रहा है कि कांग्रेस ने विद्याचरण शुक्ल के जाने के बाद और तमाम सारे कुछ सेकेंड लाइन ऑफ लीडर्स तैयार नहीं किए और ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं आया सामने। और दूसरी सबसे बड़ी बात रही कि रमन सिंह ने अपनी इमेज को इतनी अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट किया है और परसेप्शन की लड़ाई होती है, देखिए चुनाव हमेशा परसेप्शन की लड़ाई होती है, धरातल पे क्या है उसके साथ में आदमी जो वोटर है या जो जो जनता है वो आपके बारे में सोचती क्या है वो ये देखना चाहती है कि आपने कोशिश की है या नहीं, और रमन सिंह की कोशिशें रही हैं। हर नेता ये कहता है सारे काम नहीं हो सकते, लेकिन रमन सिंह ने जो अपनी छवि है उसको खराब नहीं होने दिया, जबकि वहीं राजस्थान में छवि के चलते सिंधिया जो हैं वो हार रही हैं। ये पूरा जो घटनाक्रम है ये चुनाव में केवल परसेप्शन बेस्ड है और ग्राउंड रियलिटी पे बहुत सारी घोषणाओं के साथ अगर कुछ भी काम दिखता है, जैसे NHAI के बहुत काम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में हुए हैं जिसका फायदा राज्य चुनाव में दिखेगा। नहीं नहीं, ये फैक्टर सिर्फ रमन सिंह फैक्टर ही है आपको लग रहा है? नहीं, रमन सिंह फैक्टर एंड अजीत जोगी फैक्टर जी, अजीत जोगी फैक्टर। ये टैली एक बार फिर से दिखाइए जरा दर्शकों को, जो हमने यहाँ पर दिखाई अलग अलग चैनल्स की जो टैली हम दिखा रहे हैं लगातार, यहाँ पर ये सवाल खड़ा हो रहा है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था अजीत जी, अगर ये जोगी फैक्टर है तो क्या योगी फैक्टर भी काम किया है यहाँ पर? योगी फैक्टर बिल्कुल काम नहीं किया है, और जो योगी फैक्टर है देखिए वहाँ पे उभर कर छत्तीसगढ़ में जो है वहाँ दो तरीके का तस्वीर आ सकती है। पहली तस्वीर ये हो सकती है कि लैंडस्लाइड हो जाए कांग्रेस, और दूसरी तस्वीर ये आ सकती है कि रिस्ट्रिक्ट हो जाए कांग्रेस अपने बहुमत के पास तक आ जाए, वो बहुमत या बहुमत से अगर हल्का नीचे जाती है तो उसका कारण होगा योगी फैक्टर का काम करना,
क्योंकि योगी का सबसे बड़ा ये था कि वो बहुत सारे कांग्रेसी रेबल्स थे जो उनके साथ हो गए थे, लेकिन अगर वो वोट कटर साबित हुए, दो सैनैरियो मैं बता रहा हूँ, पहला सैनैरियो ये बता रहा हूँ जो लोग बता रहे हैं ये कि हंग की तरह की स्थिति बन रही है, तो इसका मतलब कि ग्राउंड में योगी फैक्टर काम किया। अब ग्राउंड में योगी फैक्टर काम किया आप क्यों नहीं ये बात बता पा रहे हैं? एक्चुअली जब नई पार्टी कोई फॉर्म होती है, बसपा को 4% वोट आया था, नई पार्टी कोई फॉर्म होती है तो उसका ग्राउंड में क्या है, उसका वोट बेस क्या है, ये सिर्फ हम लोग अटकलबाजी करते हैं, वो ग्राउंड में जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक पता नहीं चलता जी। तो अगर जो योगी फैक्टर को अगर वो वोट कटर समझे होंगे, जनता ने अगर वोट कटर समझा होगा उनको और आउटराइटली रिजेक्ट किया होगा तो लैंडस्लाइड होगी कांग्रेस। अगर नहीं होगा ऐसा तो या तो मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी आएगी या थोड़ा सा मेजोरिटी से कम हो जाएगी। नहीं, ये दो सिनेरियो यहां पर हुआ कराएगा। यहां पर तो बंपर वोटिंग भी हुई है, फिर एंटी इनकमबेंसी पे वोट काम नहीं करेगा। वोटिंग देखिए, वोटिंग बंपर होना, एक बार वो टैली दोबारा से दिखा दीजिए प्लीज। बहुत ज्यादा वोटिंग होना या बहुत कम वोटिंग होना ये बहुत ज्यादा ये मायने नहीं रखता, ये इस चीज को संकेत नहीं करता है कि वो सरकार बदल दी जाएगी या नहीं। आप देखिए बिहार में जब हुआ था, बिहार में कई बार ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार आया, दो दो बार उनका बंपर वोटिंग हुआ वहां पे। तो वोटिंग तो अब इलेक्शन कमीशन भी प्रोत्साहित करती है बहुत ज्यादा, और लोग भी जागरूक हुए हैं धीरे, फर्स्ट टाइमर वोटर्स जो आते हैं वो बहुत उत्साहित होते हैं, वो वोट देते हैं। तो वोटिंग बहुत ज्यादा होने से हम इस चीज को स्पष्ट रूप से ये नहीं समझ सकते हैं कि ये पार्टी को बदलने के लिए हुआ है या ये पार्टी को इंडोर्स कर रहा है उसके जो स्कीम्स है उसको, ठीक। तो ये बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं, वो किसी भी कारण से अब नेचुरल है नहीं। आप सामने टैली जो देख रहे हैं आप इस हिसाब से बता सकते हैं आप मुझे कि क्या वाकई में ये टैली जो है? मैंने अपनी टैली बताई, मैंने व्यक्तिगत अपनी टैली बताई कि दो ही सिनेरियो हो सकता है। एक सिनेरियो ये हो सकता है कि मेजोरिटी से थोड़ा सा कम हो जाए या मेजोरिटी में सिंपल मेजोरिटी पे आ जाए, 46-47 पे पहुंच जाए कांग्रेस, या लैंडस्लाइड हो 55-55 से क्रॉस कर जाए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इससे ज्यादा भरोसा आपको नहीं है? नहीं नहीं, मुझे सब में भरोसा है, लोगों ने बहुत मेहनत किया होगा, लोगों ने भी बहुत मेहनत किया होगा। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपका व्यक्तिगत राय दी, आपका एग्जिट फिगर क्या कहता है, किसके करीब है आप? मुझे ये लग रहा है कि वो जो सी वोटर रिपब्लिक का है वो भी बहुत हद तक सही है, और टाइम्स नाउ ये इंडिया टुडे और एक्सिस का जो है वो फिगर भी सही है, वही दोनों फिगर मुझे थोड़ा रियलेबल लग रहा है। ठीक, मनोज जी आपकी टर्न में, आप फिर आपके पास आ रहा हूँ। एके मिश्रा साहब क्या कह रहे हैं, आपका अनुभव, ये आंकड़े जो बता रहे हैं अन्य के हिसाब से तो अजीत जोगी फैक्टर कहीं ना कहीं काम किया है। देखिए चावला जी आप भी थे वहां जा रहे थे, अब अजीत जोगी को लोग समझने लगे कि अजीत जोगी सिर्फ वोट काट सकते हैं और इससे ज्यादा अब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अजीत जोगी जो है वो फैक्टर अब धीरे धीरे कम हुआ है। बात रही कि जो आपने फिगर दिखाया है उस फिगर पे मैं आता हूं, तो मेरा मानना है कि टीम सी वोटर की जो बात हो रही है और ये जो है और इंडिया टीवी, ये दोनों की फिगर जो है 42 और 50 और 36 और 42 की ये फिगर ज्यादा करीब आ रहे हैं। इसलिए करीब आ रहे हैं, देखिए वोटर जैसे अजीत जी ने एक चीज जो चीजों को छोड़ा, सरकार जब होती है और जो इलेक्शन होता है तो सरकार को पोल के समय, एग्जिट पोल के समय, ओपिनियन पोल के समय प्लस हम 5% उनको ग्रेस देते हैं कि भाई ये सरकार है उसके अगेंस्ट में कुछ बोलेंगे, लेकिन हम उसको 5% देते हैं। अजीत जी क्या बात सही है ना कि 5% हम देते हैं, यदि ये वोट माइनस हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपको संकेत दे रहा है कि सरकार के ऊपर खतरा तो जरूर है। यदि उस 5% को हम यदि माइनस कर दें और न्यूट्रल हम होते हैं तो ये वोट परसेंटेज काफी नीचे चला जाएगा। लेकिन मैं एक बात आपको साफ बताना चाहता हूं कि जो पोल हुआ है 76% के करीब वहां पे जो पोल हुआ है छत्तीसगढ़ में, ये पोल संकेत कर रहा है कि जिसकी भी सरकार बने वो बहुमत में बनेगी। लेकिन जो आपने कहा कि बहुमत में बनेगी, लेकिन वो वोटिंग परसेंटेज भी तो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है। कर रहा है कि कुछ दो दिनों के बाद हमको एग्जिट फिगर जो दे रहा है, आप जिस तरफ से संकेत कर रहे हैं उस तरफ में नहीं जाना चाह रहा हूं। ये क्या कहूं मैं, इलेक्शन कमीशन है, जनता है और राजनीतिक पार्टियां हैं, जो गड़बड़ियां हैं जो सुधरेंगी वो राजनीतिक पार्टियां करेंगी, हम पत्रकार हैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे चूंकि हमारे पास वैसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है। पिछली बार हमने देखा जिसने बस्तर जीता ये पूरी जो बिथक था वो भी टूटा था। एक चीज में आप और मैं, सॉरी तिलक जी आपको रोका, जो सबसे ज्यादा एग्जिट पोल में जो एजेंसी चर्चा में रहती है वो रहती है आपको टुडे चाणक्या, चाणक्या का बहुत काफी नाम हुआ है, जो कहा जाता है कि ये हमेशा बीजेपी को या किसी भी पार्टी को लार्ज बेस में दिखाता है कि जीतती है। उसका जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से बीजेपी वहां पे 36 सीटें ला रही है छत्तीसगढ़ में और कांग्रेस 50 सीटों के साथ ये सत्ता में आ रही है। मैं स्पीकर को इसलिए आपको दोहराता हूं कि वहां पे जो वोट परसेंटेज हुआ है,
और जिन जगहों पे हुआ है लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज बढ़ा है। यह संकेत कर रहा है कि जिसके भी पक्ष में जाएगा वो बहुमत से ज्यादा ऊपर जाएगा। ठीक है, एके मिश्रा क्विक रिएक्शन, फिर उसके बाद में ब्रेक लेकर जो है मध्य प्रदेश पे आ रहा हूं जल्दी से। देखिए पिछली बार बीजेपी को जो है वहाँ पे 49 सीटें जो है लगभग मिली थी, और उसके बाद आप देखिए एक जो नई एंट्री हुई है बसपा की और अजीत जोगी जी की, 101% या कुछ ना कुछ सीटें काटेंगे। रही बात आपको बीजेपी के परफॉर्मेंस में ऐसी कोई नई चीज मुझे नहीं दिख रही है कि क्लीन स्वीप हो जाए, बल्कि पिछले दो सालों में यानी मोदी गवर्नमेंट के तीन सालों के बाद इनकी नेचुरल इमेज जो है नेचुरल डिटेरियरेट हुई है, कमी आई है। तभी आप बार बार डिबेट में बोलते थे कि लोग नेशनल लेवल की बातें क्यों कर रहे हैं, स्टेट लेवल की क्यों नहीं करती है। तो ये जो माइनस फैक्टर बीजेपी के साथ जुड़ेगा तो मुझे नहीं लगता है कि 49 से ज्यादा ये परफॉर्म कर पाएंगे, ये जाकर के कुछ नीचे गिरेंगे। और इसके पीछे जो रीजन होगा ना, ये बसपा का और अजीत, देखिए अजीत जोगी वहीं के लीडर हैं, वहीं पैदा हुए हैं और एक कद्दावर नेता है। पहली चीज वो वोट किसी का भी काटे, चाहे कांग्रेस का काटे, चाहे ये टुडे चणाक्य का एग्जिट पोल जिसका जिक्र मनोज जी कर रहे थे, वो आंकड़े भी हम आपके सामने रख रहे हैं। एग्जिट पोल वो क्या कुछ कह रहा है छत्तीसगढ़ का, वो भी आपके सामने। कांग्रेस की बन सकती है सरकार ये दावा किया जा रहा है, जो सामने जो आपके सामने हम स्थिति रख रहे हैं जिसका जिक्र मनोज जी ने किया, ये आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। तस्वीर धीरे धीरे जो है साफ होगी तब जब 11 तारीख को नतीजे आएंगे, हर किसी का अपना आकलन है। यहाँ जो टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल है, एक छोटा सा कमेंट और फिर उसके बाद मुझे ब्रेक लेना। मनोज जी एक चीज बता रहे हैं कि पिछली बार भी भाजपा की काफी सांस फूली हुई थी और 2 बजते और 3 बजे के जाकर वो बड़ा रिलैक्स महसूस किए थे, 7 सीटें थी। और इस बार भी मैं बता रहा हूँ कि जो एक तो बात सत्ता के सेमीफाइनल की हो रही है। ब्रेक से पहले आपने देखा कि किस तरह से एग्जिट पोल की कहानी क्या थी, वो हमने ब्रेक से पहले आपको छत्तीसगढ़ की तस्वीर दिखाई, और छत्तीसगढ़ की तस्वीर फिलहाल बीजेपी के लिए राहत भरी खबर ला सकती है। लेकिन अब आपके सामने मध्य प्रदेश की तस्वीर हम रख रहे हैं, मध्य प्रदेश में क्या कुछ हालात हैं वो तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। बीजेपी जो है 2003 से सत्तासीन है और उमा भारती के बाद बाबूलाल गौर और फिर उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने यहां की सत्ता संभाली और मुख्यमंत्री का अवताज संभालने के बाद चौहान ने लंबी पारी खेली। लेकिन क्या एक बार फिर से वो अपनी पारी दोहरा पाएंगे, क्या कुछ कहते हैं मध्य प्रदेश के नतीजे वो हम आपके सामने रख रहे हैं। मध्य प्रदेश की तस्वीर आप देखिए, जहां पर इंडिया टूडे का जो एग्जिट पोल है वो कहता है कि 102 से 120 सीटें बीजेपी ला सकती है, जबकि कांग्रेस 104 से 122 और अन्य के खाते में 4 से 11 सीटें, जबकि टाइम्स नाउ सीएनएक्स का सर्व एग्जिट पोल है वो कहता है कि 126 सीटें बीजेपी के खाते में, कांग्रेस के खाते में 90 के आसपास सीटें आ रही हैं, जबकि 6 BSP और 6 अन्य के खाते में। इंडिया टीवी सीएनएक्स 122 से 130 सीटें दे रहा है मध्य प्रदेश में बीजेपी को। यह राहत भरी खबर है क्या, एक बड़ा सवाल ये, क्योंकि एमपी में साख दांव पर सिर्फ शिवराज सिंह चौहान की नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की भी लगी है। 86 सीटें जो है कांग्रेस के पाले में दे रहा है इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे एग्जिट पोल का, और उसमें से 86 से 92 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में आ रही है, जबकि बीएसपी के खाते में 4 से 8 और 8 से 10 सीटें अन्य के खाते में। एबीपी लोकनीति सीएसडीएक्स का जो एग्जिट पोल है वो देखिए, आप 94 सीटें जो है बीजेपी के खाते में, जबकि कांग्रेस के खाते में 126 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 10 सीटें। रिपब्लिक सी वोटर का आप जो है एग्जिट पोल देखिए, 90 से 106 बीजेपी के खाते में जो आकलन है, इसके बीच में जो है आंकड़ा लगाया जा रहा है, जबकि 110 से 126 सीटें कांग्रेस को दी जा रही हैं, जबकि अन्य के खाते में 6 से 22 सीटें। जबकि न्यूज 24 का जो एग्जिट पोल है वो बता रहा है 98 से 108 सीटें जो हैं वो बीजेपी को मिल रही है, जबकि 110 से 120 सीटें कांग्रेस के खाते में, जबकि अन्य के खाते में 10 से 14 सीटें। सुमित जी, सबसे पहला रिएक्शन मध्य प्रदेश पे आपका, चौंकाया क्या आंकड़ों ने आपको? जी मुझे लगता है कि 75% वोटिंग जो है वो सबसे अच्छा एक रिफ्लेक्शन है डेमोक्रेसी का, और मुझे ये भी दिख रहा है कि जिस तरीके से वोटिंग पैटर्न मध्य प्रदेश का रहा है, बीजेपी शुरुआत में बड़ी खुश हुई कि उनको अधिक वोटिंग परसेंटेज मिला, इससे उनको शुरुआती दौर में लगा कि वो जीत जाएंगे। बट मेरा अनुमान ये है कि मध्य प्रदेश में वो जो वोटर है, पहली बात अर्बन और रूरल का डिवाइड बहुत स्ट्रांग है, गुजरात जैसा नहीं है, तो जो रूरल वोटर है वो बीजेपी के साथ नहीं है। किसान आंदोलन हुआ और किसानों ने
बीजेपी के खिलाफ खड़े रहे, भले ही आप मंदसौर का किस्सा ले लीजिए, चाहे कुछ और मामला ले लीजिए। दूसरी बात ये रही कि जितना बीजेपी ने प्लान किया उस हिसाब से उन्होंने उन स्कीम्स को ग्राउंड रियलिटी पे नहीं रिफ्लेक्ट कर पाए, जैसे कि किसान बीमा योजना को उन्होंने उस समय फंड्स पहुंचाए जिस समय वोटिंग को कुछ दिन रह गए थे, तो उन्होंने वो सारे पैतरे अपनाए जिसमें उनको लग रहा था कि वो इन पैतरों से जीत जाएंगे। अभी भी अनुमान ये है कि वो, कई सारे मेरी बात होती है बीजेपी लीडर से, तो वो कहते हैं हम 130 के आंकड़े को पार कर जाएंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि आज की स्थिति जो दिख रही है या जो जितने एग्जिट पोल आए हैं उनमें कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है, और मेरा अनुमान यह है कि कोई से भी पार्टी अगर जीतेगी तो मध्य प्रदेश में खासतौर पर वो एक तरफा जीत होगी, क्योंकि अगर कांग्रेस को देखा जाए और कांग्रेस 120 के ऊपर कुछ भी आंकड़ा ले आती है, कांग्रेस के लिए वो एक सुपर विक्ट्री होगी। और वो छत्तीसगढ़ में भी वोट स्विंग का जिक्र आप कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में इतना मायने नहीं रखता है जितना मध्य प्रदेश में रखता है, क्योंकि मध्य प्रदेश ज्यादा बड़ा गढ़ रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि उस समय जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बन रहा था, मेरी किस्मत थी मैं वहां पे मौजूद था, वो डिस्कशन वो मीटिंग्स में कुछ मीटिंग्स में मैं वहां था, तो तब दिग्विजय सिंह और तमाम सारे नेता जिस तरीके से बैठे थे उस समय एक व्यक्ति विशेष का प्रभाव था उस समय। लेकिन इस बार क्योंकि दिग्विजय सिंह खुद नहीं गए, उन्होंने कहा कि मेरे जाने से वोट कटते हैं, इससे भी मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस है उसमें एक तरह से एकजुटता आई है, और कमलनाथ ने जिस तरीके से नेतृत्व दिया है, मेरा अनुमान यह है कि कमलनाथ ने एक बहुत स्ट्रांग लीडरशिप दिखाई है, और जिसे कहते हैं कि कोई कच्ची बात नहीं की है, जो भी कहा है उसमें देखिए एक स्तर से नीचे गिरने वाली बातें जो है वो इस चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने देखा है कि वो स्तर से नीचे ना गिरे। ठीक है, ये साथ साथ जो है हम छत्तीसगढ़ की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ब्रेक से पहले भी हमने आपको बताया था जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चड़के का भी एग्जिट पोल हम आपके सामने रख रहे हैं, हर किसी के अपने अपने दावे हैं। सुमित जी, मैं आपके पास बाद में आऊंगा क्योंकि यहां पर आंकड़ों की जुबानी मैं आपसे समझूंगा, क्योंकि कई सर्वे आपने किए हैं और किस तरह से हम मध्य प्रदेश की तस्वीर को ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले ए के मिश्रा साहब, कई फैक्टर मध्य प्रदेश में काम करेंगे नहीं करेंगे, कैसे काम करेंगे, और क्या एक कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर हो सकती है मध्य प्रदेश से जो तस्वीर सामने आ रही है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक टर्म होता है साइकोसोमेटिक, मतलब मनोदैहिक, यहाँ पे विकास वगैरह होना। कई बार आपने देखा होगा कि पिछली सरकारों ने काम बहुत अच्छे नहीं किए या कोई गलत काम कर दिया लेकिन फिर वो सत्ता में आ जाती है। और दूसरी चीज, मध्य प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला भी नहीं है, जो अजीत जोगी या बसपा वाला फैक्टर था वो भी नहीं है। चौथी चीज, आप ये देखिए बीजेपी की जो अपनी कमियां रही हैं पिछले 2-3 सालों में, उसके कारण फर्क ये पड़ेगा कि इनकी परफॉर्मेंस डाउन होगी। लेकिन आपको क्या ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास इतना इफेक्टिव मैनेजमेंट है कि वो इस गैप को फिलअप करते हुए बीजेपी जैसी सुसंगठित पार्टी को क्रॉस कर जाए और क्लियर कट बहुमत से सरकार बना ले? होने को हो सकता है, इसीलिए मैं ये बोलता हूं कि बीजेपी की परफॉर्मेंस डाउन होगी, उनके लिए कंपटीशन टफ होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग, कुछ परसेंटेज वोटर जो है वो नाराज हुए हैं, वो कांग्रेस की तरफ जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस इतनी अच्छी परफॉर्म, गलतियां एक दो इन्होंने कैंपेन में भी की थी कि वो जो पासिंग मार्क जो होता है वो उसको क्लियर कट क्रॉस कर जाए। तो यहाँ पे मुद्दा घूम फिर के फिर जाके वही गुजरात वाला इलेक्शन होगा कि अगल बगल वाली कंडीशन बीजेपी के साथ हो गई, और अब की बार बीजेपी अगर ऐसा होता है ना तो कर्नाटक ये होने नहीं देंगे, पहले से ही ये तैयार करके बैठे रहेंगे निर्दलीय वगैरह को अपने फेवर में लेने के लिए कि कहीं कांग्रेस ना ले ले। तो कुल मिला के मुझे ये दिखता है कि बीजेपी का ऑप्शन अभी भी नहीं है। अब चाणक्य का देखिए, मध्य प्रदेश की तस्वीर चाणक्य की भी देख लीजिए, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन सकती है ये दावा किया जा रहा है टुडे चाणक्य की तरफ से, और 125 सीटें मिलने की उम्मीद बताई जा रही है और बीजेपी के खाते में 103 सीटें। ये एग्जिट पोल और जो ओपिनियन पोल है उसमें अंतर काफी होता है, यानी कि ध्यान भटकाना या फिर भटक जाना ये भी एक बड़ा सवाल मैं है। आपको बताता मैं उस पर आऊंगा। एके मिश्रा साहब, पहले जो राजनीतिक नजरिए से आपने कहा कि एमपी में जो है सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो घोषणा वीर वाली छवि है शिवराज की वो डैमेज करेगी, लग रहा है आपको? नहीं, नहीं, आप शिवराज सिंह की जो बोलते हैं ना, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आप ये भी देखिए क्या कांग्रेस जो कि 10 साल 15 साल से वहां से गायब है और 2 महीने में कोई पार्टी कैंपेन करके इतना बड़ा परसेप्शन में चेंज ला सकती है कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस आप पिछली बार देखिए, इतना ज्यादा सीटों को गेन करना। देखिए बीजेपी इतनी आसानी से सर हार मानने वाली नहीं है, बात मैं यहां कर रहा हूं, आप ऐसे देखिए, दो कॉम्पिटिटर हैं,
उनकी इंडिविजुअल क्षमताएं देखिए। मैंने आपको बोला आप ओपन हार्ट सर्जरी करिए, चैलेंज कितना भी मुश्किल हो, लेकिन अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, क्षमता है, दक्षता मैनेज करने की है, तो आप निकाल लेते हैं। इसका मतलब ये मैं कतिपय नहीं बोल रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, हो सकता है ये क्लीन स्वीप कर जाए, लेकिन ज्यादातर चांसेस ये है कि बीजेपी के कारण जो नाराजगी हुई है, जो घोषणा भीड़ वगैरह ये सब हुआ है, देखिए घोषणा भीड़ के कारण ही वहां पे जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं उनको इतना ज्यादा मौका नहीं दिया गया जितना मोदी और योगी को तो दिया गया। फैक्टर है, आप ये कह रहे हैं संघ फैक्टर है। नहीं नहीं, बीजेपी के परफॉर्म देखिए, संघ तो हमेशा बीजेपी के साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अलग है ना, एक चीज सुमित जी, मैं आप जो आंकड़ों की जुबानी आप लोगों से समझूंगा, मनोज जी से भी और आपसे भी, ये मध्य प्रदेश की तस्वीर क्या कुछ कह रही है, एक बार फिर से टैली दिखा दीजिए जरा स्क्रीन पे सुमित जी, जरा मैं आंकड़ों की जुबानी समझना चाहूंगा, कहां हम पहुंचे, क्या कहते हैं आंकड़े। मेरा अपना सीधा सीधा राय है कि 1977 के बाद भारत में लगातार नेचुरल एंटी इनकमबेंसी होती है हर जगह पे सरकार में। आप कितना भी विकास कर लें, कुछ भी कर लें, हर बार जो है जनता चाहती है कि कंपटीशन हो, हर पाँच साल में सरकार बदलना चाहती है। मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ कि जब 2008 की सरकार थी उस समय में वो उमा भारती अलग हो गई, उनकी पार्टी अलग बनी थी, उसी बीच में 27 को इलेक्शन था, उससे दो दिन पहले जो है 26-11 हो गया था, और कांग्रेस डिवाइडेड थी, बिखराव की स्थिति थी कांग्रेस में, और वो इंटरकमेंसी बैकफायर हो गया और फिर से वहाँ बीजेपी की सरकार बन गई। 2013 जब था उस समय भी कांग्रेस डिवाइडेड थी और उस समय में मोदी जी का वो हो गया था, प्राइम मिनिस्टरशिप की घोषणा हो गई थी, एक अलग तरीके का हवा बना हुआ था मोदी लहर का, जिसमें कि बैकफायर हो गया केंद्र सरकार, फिर वहाँ पे भी कांग्रेस जो है वहाँ पे बिखराव की स्थिति थी और अन्ना आंदोलन हुआ था, कांग्रेस की इमेज बहुत खराब थी, जो जो एंटी इनकमबेंसी था वो बैकफायर हो गया केंद्र सरकार में, वहाँ फिर से सरकार बन गई। लेकिन इस बार ऐसी दोनों स्थितियाँ नहीं है, इस बार केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में अभी 15 साल से बीजेपी की सरकार है। एंटी इनकमबेंसी नेचुरल एंटी इनकमबेंसी आंकड़ों की जुबानी आपसे समझना चाहूंगा कि लगभग जो है हमने देखा कि एग्जिट पोल जो छत्तीसगढ़ के थे वो अलग थे, मतलब काफी डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर जो है तस्वीर लगभग जो है सिंपल मेजोरिटी, हाँ यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी की तरफ जा रही है जितने भी लोग बता रहे हैं। आप आंकड़ा एक बार दिखाइए अपने स्क्रीन, एक बार आंकड़ा दिखा दीजिए फुल स्क्रीन पर, एक बार फुल स्क्रीन पर दिखाइए मध्य प्रदेश का आंकड़ा, जल्दी से दिखाइए फिर राजस्थान हम रुक करेंगे। जो आंकड़े आप कह रहे हैं सुमित जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ये देखिए आंकड़े, हाँ जो सिंपल मेजोरिटी जो भी दिखा रहे हैं, मैं उन आंकड़ों के साथ हूँ, जो भी सिंपल मेजोरिटी दिखा रहे हैं, रिपब्लिक सी वोटर दिखा रही है 110 से 126, और जब जिसको भी मेजोरिटी आती है, जिसको भी वो फ्लोटिंग वोट जो है उसके साथ जाता है, जो मार्जिनल सीटें हैं टूटकर उसी के साथ जाती हैं, जो भी जब भी आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी कोई भी पॉलिस्टर, कोई भी राजनेता, ये नहीं बताया था कि 324 आएगा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में, तो ये सीटों का हम बहुत भयानक रूप से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि इतनी ही सीट एग्जैक्ट नंबर में आएगी। जो सीटें मार्जिनल होंगी, फ्लोटिंग वोट जिधर जाएगा, सिंपल मेजोरिटी तो आनी है कांग्रेस को, जो ये आंकड़े हैं, ये आंकड़ों को देखकर मैं बता रहा हूं, अगर ऐसे सर्वे आए हैं तो 100% कांग्रेस की सरकार बन रही है सिंपल मेजोरिटी में, और मार्जिनल सीटें और फ्लोटिंग वोट जो है वो सीटें और बढ़ा सकती है जो जा रही है, क्योंकि वहां बाइपोलर पॉलिटिक्स है, वहां पे कोई ट्रायंगल नहीं है। ठीक, जैसा एक मिश्रा साहब कहते हैं, ठीक है मनोज सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा वोटिंग परसेंटेज और सीट कन्वर्जेंस, मतलब इस आंकड़े के हिसाब से क्या आपको लग रहा है, जैसे कि सुमित जी बता रहे हैं। देखिए जो अभी तक डिस्कशन हुआ उसके हिसाब से लोगों ने यह समझाया कि क्यों वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान हार रहे हैं। मैं वहाँ बीजेपी की हार नहीं बोल रहा हूँ, बीजेपी की हार इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि रमन की छवि खराब नहीं हुई थी, तो यदि रमन की छवि नहीं खराब हुई तो वहाँ हारेगा कौन, तो पार्टी हारेगी। यहाँ क्या है कि यहाँ बीजेपी की छवि खराब नहीं दिखी, वहाँ शिवराज सिंह चौहान की छवि खराब दिख रही थी मध्य प्रदेश में। दूसरा, उसमें जो आग में घी का काम किया वो किया सपाक्स ने, जो फॉरवर्ड क्लास था, एसी एसटी एक्ट का जब यह हुआ, इंदौर में जब इन लोगों की रैली हुई 5 किलोमीटर में 8 लाख से ऊपर लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक, जिसको कांग्रेस ने बहुत अच्छे तरीके से भंजाया, ठीक, उसने अपने को अलग भी रखा और उस वोटों को अपने तरफ भी खींचा। दूसरी बात हुआ कि जो साधु संत थे, जैसे वहां कंप्यूटर बाबा और सारे लोगों को संगठित किया, तो ये जो चीजें थी, जो मालवा का जो क्षेत्र कहा जाता, जो मालवा जीतेगा उसी की सरकार बनेगी, मेरा मानना है कि मालवा को सबसे ज्यादा नुकसान साधु संत ने पहुंचाया है, मालवा को। ठीक है, हम रुक करेंगे जल्दी से जो है, अब राजस्थान रुक करिए जल्दी से, राजस्थान की टैली भी दिखाइए यहाँ पे दर्शकों को। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में राजस्थान को लेकर जो है लोगों की दिलचस्पी सबसे ज्यादा इसलिए है, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है, और ऐसे में मिथक रहा है कि हर बार 5 साल में सरकार बदलती है, लेकिन क्या इस बार फिर से
सरकार बदलेगी और क्या सत्ता में वापसी कांग्रेस करेगी, एक बड़ा सवाल है। वसुंधरा राजे हो फिर दूसरी तरफ कांग्रेस के घर के भीतर दो चेहरे अशोक गहलोत और साथ साथ युवा नेता सचिन पायलट। ये सामने देखिए टैली, आपके सामने राजस्थान की टैली है, जहां पर इंडिया टुडे का जो सर्वे जो है वो टैली जो बताती है कि लगभग 55 से 72 सीटें बीजेपी को मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 119 से 141 सीटें मिल रही है, जबकि अन्य के खाते में 4 से 11 सीटें आ रही है। टाइम्स नाउ का सर्वे देखिए, टाइम्स नाउ का सर्वे क्या कुछ कहता है, 85 सीटें जो है बीजेपी को मिल रही है, कांग्रेस के खाते में 105 सीटें, जबकि 9 सीटें जो है वो अन्य के खाते में आ रही है। न्यूज 24 का जो है एग्जिट पोल आप देखिए, 70 से 80 सीटें जो है बीजेपी के खाते में, जबकि कांग्रेस के खाते में आ रही है 110 से 120 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 5 से 15 सीटें आ रही हैं। ये न्यूज 24 का एग्जिट पोल हम आपके सामने रख रहे हैं। और फिर उसके आगे एबीपी का आप एग्जिट पोल देखिए, जहां पर 83 सीटें जो है वो बीजेपी को मिल रही हैं, कांग्रेस के खाते में 101 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 15 सीटें आ रही हैं, जबकि रिपब्लिक सी वोटर का जो है एग्जिट पोल क्या कुछ कहता है, 83 से 103 सीटें कांग्रेस, 81 से 101 और जबकि अन्य के खाते में 0। और आगे बढ़े तो यहां पर तस्वीर साफ तौर पर सामने आती है कि फिलहाल यहां पर स्थिति कांग्रेस के लिए सीधे तौर पर राहत भरी खबर आ रही है। सुमित जी, ये कह सकते हैं राजस्थान वैसे आकलन किया जा रहा था, और एग्जिट पोल क्या कहते हैं आपके हिसाब से ये तस्वीर? देखिए, मुझे लगता है कि न्यूज 24 ने जो आकलन किया है, मैं उस आंकड़े के साथ जाना चाहूंगा। और इसके साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से वहां पे समीकरण बैठा है, वहां पे वोट जो एंटी गया है वो सीएम के खिलाफ गया है, बीजेपी के खिलाफ नहीं गया है। दूसरा, बीजेपी के जो वर्कर्स हैं उन्होंने भी एक तरीके से समर्थन नहीं किया सीएम का। वहां की जो ब्यूरोक्रेसी है वो पूरी तरह से सीएम के काबू में रही। और एक सबसे बड़ी जो चीजें हुई वहां पे, सीएम ने केवल जो पैसे वाले ठेके हैं उनकी तरफ फोकस किया। ये विपक्ष का भी आरोप था और आम आदमी ने भी इस बार आरोप लगाया कि केवल उसके अलावा सीएम ने कुछ और काम किया ही नहीं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं वो भी राजस्थान कैडर के हैं, और इस बार उनकी निगरानी में पूरा काउंटिंग होगी। तो अरोरा साहब जो हैं वो ही फ्रॉम 82 बैच आईएएस हैं रहे हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है राजस्थान का। लेकिन ये तस्वीर जो बता रही है, क्या ये मान ले कि जो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है कि वही है, या फिर जो है वसुंधरा के खिलाफ जो है इस तरह से जो लगातार जिस तरह से वसुंधरा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का जिक्र जो किया जा रहा था, नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी कि वहां की कहावत है कि रोटी की अल्टी पल्टी किए बिना रोटी जल जाती है। दिखा दीजिए दोबारा से स्क्रीन पर, प्लीज टैली दिखाइए, उसके हिसाब से आकलन करेंगे जी। बताइए सर, रोटी की अल्टी पल्टी अगर नहीं की गई तो रोटी जल जाएगी। तो राजस्थान का ये ट्रेंड रहा है कि रोटी अलट पलट करने का मतलब, यानी सत्ता एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी को, और उसी से रोटी जलती नहीं है, ये वहां का शुरू से ये कहना रहा है। नहीं तो क्या ये बीजेपी मनोज जी मान चुकी थी कि नहीं भैया हमारे यहाँ से तो राजस्थान जाएगा ही जाएगा, या फिर वसुंधरा को लेकर जिस तरह से जो कयास लगाया जा रहे थे कि बीजेपी वालों को पसंद नहीं है इसलिए भैया राजस्थान छोड़ दीजिए? देखिए चावला जी, जो मैं बोलना चाह रहा था वो आपने अपने शब्द से ही बोल दिया तो शायद मेरे लिए ज़्यादा आसान हो गया। एक चीज़ जान के रहिए, बीजेपी खुद जो था मैडम से जान छुड़ाना चाह रही थी। पार्टी अलग थलग पड़ी हुई थी चुनाव के पहले तक। चुनाव में आप देखे होंगे कि जितना सेंट्रल कमेटी था राजस्थान में जोड़ लगाया उतना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नहीं लगाया। अब दूसरी बात देखिए, आप गए छत्तीसगढ़ में, प्रधानमंत्री के जितने पोस्टर माने इलेक्शन के लगे हुए थे प्रधानमंत्री के पिक्चर को छोटा कर दिया गया, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री को पीछे रखा गया, लेकिन राजस्थान में जाएंगे तो देखेंगे सेंट्रल कमेटी जैसे लगता था कि पूरी तरह से राजस्थान कमेटी पे हावी थी। अब ये दर्शाता था कि कहीं ना कहीं ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि मैं मैडम के साथ हूँ, मैडम इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती है संघ में कि उनको बीजेपी के तरफ से डायरेक्ट हटाना मुश्किल था। लाख कोशिश इन्होंने किया, अध्यक्ष बदलने का किया, लेकिन जो मैडम ने चाहा वही हुआ। मोदी जी ने भी कई बार बुलाकर उनको समझाने की कोशिश की लेकिन अपने तरीके से कर रही थी। तो मेरा मानना है कि यहाँ पार्टी खुद पार्टी को हराने के लिए काफ़ी थी, यहाँ कांग्रेस जीते हारे वो तो सेकेंडली था,
कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट ने कितना मेहनत किया, लेकिन बीजेपी ने अपनी पार्टी को हराने के लिए पूरा मेहनत किया। ये एक बार फिर से टैली दिखाइए, फिर ए के मिश्रा आपके पास आ रहा हूँ, फिर साथ साथ जो है मैं आपसे भी अजीत समझूंगा आंकड़ों की जुबानी कहानी को। लेकिन ये क्या वाकई में कह सकते हैं कि अगर इस हिसाब से देखें तो कांग्रेस के सामने अब दिक्कत ये होगी कि भैया मुख्यमंत्री किसको चुने, किसके सर पे ताज लगेगा, इस हिसाब से अगर हम देखें राजस्थान की तस्वीर तो नहीं। देखिए, अगर चुनाव आप जीत जाते हैं ना तो उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा किसी भी पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत मुश्किल टास्क नहीं होता है। वहां पे आप ये देखेंगे एज फैक्टर पे डेफिनेटली, जैसे सचिन पायलट है तो उनको एज फैक्टर के कारण उनको पीछे किया जा सकता है, सेंटर में कुछ दिया जा सकता है या मतलब कुछ किसी और अच्छे पोजीशन पे दिया जा सकता है। सवाल ये है, देखिए अभी जो सारे लोग बोल रहे थे ना, राजस्थान के इलेक्शन में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बीजेपी हाई कमान यानी मोदी जी या आरएसएस वो ये जानते होंगे कि वसुंधरा राजे के कारण कुछ ना कुछ तल्खी वहां पे है, पार्टी के अंदर के लोग भी उनको हराने में पड़े हैं। इसके बाद भी बीजेपी या आरएसएस ने वसुंधरा राजे जी को हटाया नहीं, वो अगर नुकसान हो रहा है तो हटा देते हैं ना, क्यों नहीं किया जानते हैं। सवाल यह है, टास्क कितना भी टिपिकल हो, एग्जाम कितना भी टिपिकल हो क्वेश्चन, अगर विद्यार्थी के अंदर क्षमता है उसको मैनेज करने की तो कठिन से कठिन परिस्थिति को भी मैनेज कर लेते हैं। नहीं तो आप कह रहे हैं कि वो फैक्टर काम ही नहीं किया जिसका जिक्र मनोज जी कर रहे हैं। नहीं नहीं, भैया घर वाले ही नहीं चाह रहे थे कि भैया चुनाव जीत जाए वसुंधरा जी। सर हर पार्टी में हमेशा ये होता है कि घर वाले जो है विरोध करते हैं, अगर पार्टी का सेंट्रल कमांड जो है बहुत मजबूत है तो उसको भी मैनेज कर लेते हैं। देखिए अब पार्टी के सेंट्रल कमांड ने मैनेज कैसे किया होगा, बीच में चर्चा आई थी कि वसुंधरा राजे जी केवल 60 कैंडिडेट को बदलना चाहती हैं, लेकिन बीजेपी के हाई कमान बोल रहे हैं कि 100 या 150 कैंडिडेट को बदलेंगे, 120 को बदलेंगे, तो ऐसे मैनेज किया जाता है। देखिए मुझे अभी भी लगता है सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस ने बहुत अच्छे मुद्दे उठा लिए, कांग्रेस को जो बेनिफिट मिलेगा चाहे सीट बढ़े चाहे सरकार बने वो इसलिए मिलेगा कि बीजेपी की जो नाकामियां रही है तो ऑटोमेटिक लोगों के गुस्से का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। इतना इफेक्टिव अगर कांग्रेस ने कुछ किया होता ना तो एक लहर चल जाती कांग्रेस के फेवर में। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि बड़ी उलझन वाली माहौल इस वक्त यहां पे हुई है, और बीजेपी जैसी जहां पे इनकी सरकारें हैं 15 साल से सेंटर में, ये इतने मुश्किल से जो है इन्होंने प्रयास बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। यूपी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सर। देखिए वहां पे किसी को उम्मीद नहीं थी बीजेपी की कि इतनी सीटें पा जाएंगे, मायावती और सपा से ज्यादा टक्कर तो वहां कोई दे ही नहीं सकता है। तो मुझे ये लगता है कि बीजेपी को डेंट लगेगा, बीजेपी की परफॉर्मेंस डाउन जाएगी, मिनिमम लेवल से भी डाउन जा सकती है, लेकिन थोड़े बहुत सीटों की अगर कमी होगी तो ये इमीडिएट 10-20-15-20-25 सीटों को ये मैनेज कर, भाई टूटने को तो कांग्रेस से भी टूट सकते हैं ना, दूसरे निर्दलीय भी टूट सकते हैं ना। ये इस आंकड़ों के टैली के हिसाब से तो बिल्कुल साफ है ना कि कांग्रेस राजस्थान में कम से कम जो है जो स्थिति छत्तीसगढ़ की बनी हुई है। देखिए इन सारे आंकड़ों को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरा खुद का मार्केटिंग रिसर्च में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, प्रोफेशन रहा है, कर्नाटक में भी सारे आंकड़े उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, केवल मैंने बोला था कि ज्यादातर लोगों ने बोला था, लेकिन मैंने केवल बोला था कि 75 से 76 सीट आएगी कांग्रेस की और 76 सीट आ गई। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि मैं बार बार कर रहा हूँ, जैसे मध्य प्रदेश में क्या था, 17 सीट पिछले बार मार्जिनल सीट था, इस बार 23 सीट हुआ है, ये मार्जिनल सीटें बढ़ रही है, मार्जिनल सीटें जो होती है वो बाद में चेंज भी हो जाती है, तो ये क्या होता है कि आंकड़ा जो होता है उसमें पे, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है हनुमान बेनीवाल, राजस्थान में हनुमान बेनीवाल थोड़ा सा वोट फैक्टर मायने रखता है, हनुमान बेनीवाल की पार्टी से डेफिनेटली इस बार ये रिफ्लेक्शन आएगा कि जो जिसे कहते हैं वोट काटू पार्टी है, तो वो हनुमान बेनीवाल ने वो काम किया है, और बड़े स्ट्रांग जाट नेता है और उन्होंने ब्रेक के उस पार एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात आज हम कर रहे हैं सत्ता के सेमीफाइनल की, 2019 से पहले क्या ये सत्ता का सेमीफाइनल है, 5 राज्यों का चुनाव और चुनावी नतीजे, एग्जिट पोल अब सामने आ रहे हैं और तमाम एग्जिट पोल हमने आपके सामने रखे अलग अलग चैनल्स के। एक बार फिर से हम एग्जिट पोल आपके सामने रख रहे हैं और फिर रुक करें अपने पैनल की तरफ। आपको बता दें आज कोई भी राजनीतिक दल हमारे साथ नहीं है, लेकिन जो तमाम पैनल के साथ हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं वो हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन पहले छत्तीसगढ़ की तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए, छत्तीसगढ़ में इंडिया टुडे एक्सिस सर्वे जो बता रहा है बीजेपी 21 से 41, कांग्रेस 55 से 65, साथ ही साथ अन्य के खाते में 4 से 8। टाइम्स नाउ सीएनएक्स का सर्वे बता रहा है बीजेपी 46, 35 कांग्रेस और साथ साथ जो
जनता कांग्रेस है 6 से 8 सीटें उन्हें मिल रही है, अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें। छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल की हम बात करें और साथ साथ एबीपी की बात करें तो उसका एग्जिट पोल यह बताता है कि 52 सीटें यानी कि क्लीन स्वीप बीजेपी कर रही है छत्तीसगढ़ में और 35 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं, और जबकि अन्य के खाते में 3 सीटें आ रही हैं। जबकि रिपब्लिक सी वोटर का सर्वे ये बताता है एग्जिट पोल का कि बीजेपी 35 से 43 यानी कि राहत भरी खबर और कांग्रेस के खाते में 42 से 50। जबकि हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि एक तरफ जाएगा, चाहे मुकाबला यहां हो फिर वहां हो, लेकिन कांग्रेस के खाते में फिलहाल जो रिपब्लिक सी वोटर का आंकड़ा बता रहा है वो यही बता रहा है कि सीधे तौर पर इसी आंकड़ों के हिसाब से अगर निचोड़ जो निकाला जाए कि अजीत जोगी कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान जरूर पहुंचा रहे हैं, लेकिन आंकड़े क्या आएंगे, जो फाइनल आंकड़े हैं वो 11 तारीख को पता चलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब छत्तीसगढ़ के बाद रुख करेंगे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए, मध्य प्रदेश का आंकड़ा क्या कुछ कहता है वो हम आपके सामने रखेंगे। जो छत्तीसगढ़ की तस्वीर हुई, आइए जरा एक बार फिर से मध्य प्रदेश की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं और फिर उसके बाद हम आपको राजस्थान की तस्वीर दिखाएंगे और अजीत जी से समझेंगे कि राजस्थान की तस्वीर क्या कहती है। अब मध्य प्रदेश की तस्वीर आप देखिए, इंडिया टुडे का सर्वे बताता है एग्जिट पोल 102 से 120 सीटें बीजेपी, कांग्रेस के खाते में 104 से 122 सीटें आ सकती है एग्जिट पोल में, और साथ ही साथ अन्य के खाते में 4 से लेकर 11 सीटें आ सकती है अन्य के खाते में। जबकि टाइम्स नाउ का जो एग्जिट पोल बता रहा है 126 सीटें बीजेपी, कांग्रेस के खाते में 79 सीटें, जबकि बीएसपी के खाते में 6 सीटें आ सकती हैं। ये मध्य प्रदेश की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, अलग अलग चैनल्स ने जो एग्जिट पोल किया है उसी हिसाब से हम आकलन करके तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। इंडिया टीवी का आप देखिए, इंडिया टीवी बता रहा है मध्य प्रदेश में 122 से 130 सीटें मिल सकती है बीजेपी को, जबकि कांग्रेस के खाते में 86 से 92 सीटें आ सकती हैं। वहीं बीएसपी के खाते में भी यहां पर 4 से 8 सीटें आ सकती हैं। ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है। जबकि आगे बढ़ते हैं, एबीपी की तस्वीर देखते हैं। एबीपी बताता है कि भैया 94 सीटें आ सकती हैं बीजेपी के खाते में, 126 कांग्रेस के खाते में, 10 सीटें अन्य के खाते में। रिपब्लिक बता रहा है कि भाई 90 से 106 सीटें मिल सकती है बीजेपी को, कांग्रेस को 110 से 126 और अन्य को 6 से 22 सीटें, यानी कि कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में खुशखबरी आ सकती है और ये ही हमारे एक्सपर्ट भी बता रहे हैं। अब राजस्थान की तस्वीर देखिए और फिर उसके बाद रुख करेंगे अपने एक्सपर्ट्स की तरफ। ब्रेक से पहले भी हमने आपको राजस्थान की तस्वीर दिखाई थी, एक बार फिर से राजस्थान की तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं और राजस्थान की तस्वीर क्या कहती है आइए जरा उस पर नजर डालते हैं। राजस्थान की तस्वीर बताती है कि इंडिया टुडे बता रहा है कि 55 से 72 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, कांग्रेस को जहां पर जो है 119 से 141 सीटें मिल सकती है, जबकि अन्य के खाते में 4 से 11 सीटें आ सकती है। टाइम्स नाउ बता रहा है कि बीजेपी को 85 सीटें जबकि कांग्रेस को 105, अन्य को 9 सीटें। न्यूज 24 बता रहा है 70 से 80 सीटें बीजेपी के खाते में और 110 से 120 सीटें कांग्रेस के खाते में, जबकि अन्य के खाते में 5 से 15 सीटें। जबकि एबीपी बताता है कि 43 सीटें जो है बीजेपी के खाते में, कांग्रेस के खाते में 101, अन्य के खाते में 15। रिपब्लिक सी वोटर बताता है 83 से 103, 81 से 101 कांग्रेस, जबकि अन्य के खाते में कुछ भी नहीं। यहां अब बारी आपकी सर, मैं आपसे समझूंगा आंकड़ों की जुबानी। कुछ कहते हैं कंफ्यूज हो गए हम, अब कंफ्यूजन दूर करिए सर। ब्रेक से पहले मैंने आपसे कहा कि आप बताएंगे आंकड़ों की जुबानी क्या कहता है राजस्थान का आंकड़ा। जितने भी सर्वे आए हैं उन लोगों ने सीट शेयर तो दिखाया है, वोट शेयर नहीं दिखाया है। वोट शेयर जिन लोगों ने भी दिखाया है या मुझे जहां तक जानकारी है वोट शेयर की, वहां पे बहुत बड़ा गैप है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। तो जो गैप है अगर वो 5 या 7% से ज्यादा होता है तो वहां बहुत बड़ा जीत हार होता है, वो छोटी छोटा उसे नहीं मानेंगे। ये जिस तरह से जो सीट शेयर जो दिखाया जा रहा है वो वोट शेयर के लिहाज से देखा जाए अगर तो वो थोड़ा अनकन्वेंशनल लग रहा है। तो मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा है, जो मैंने वोट शेयर देखा है उसके लिहाज से जिसकी भी सरकार आएगी वो सब तो एक ही बता रहे हैं कि कांग्रेस की आएगी। तो कांग्रेस की अगर आएगी तो वो अच्छे मेजोरिटी से आएगी, वो 20-30 सीटें ज़्यादा लेके आएगी। एक बार राजस्थान की टैली फिर से दिखाइए जरा, मैं समझना चाहूँगा सर आपसे। आप ये कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से देखें तो कांग्रेस आराम से चुनाव जीत जाएगी। हाँ हाँ, आपका आकलन ये कहता है? पिछला मैंने जो ओपिनियन पोल से और अभी तक जो ट्रैक देखा है, जितने भी पोल्स आ रहे हैं सबके वोट शेयर्स को देख रहा हूँ, तो वोट शेयर के लिहाज से ऐसा लगता है कि सीटों का अंतर बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन आज जो है मैं ये देख रहा हूँ तो बहुत नजदीकी मामला दिखा रहे हैं ये लोग, ये जो सीट शेयर के मामले में,
जैसे टाइम्स नाउ सीएनएक्स का है वो 105 ही दिखा रहे हैं, फिर न्यूज 24 है वो उन्होंने 110-120 दिखाया है, एबीपी लोकनीति सीएसडीएस 101 दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों से मुझे ऐसा लगता है या तो कोई हल्की सी चूक हुई है। ये जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है, जब बाईपोलर इलेक्शन होता है तो उसको सिंपल मेजोरिटी मिल जाती है जी, तो ये 105 से आगे जाएगी ये तो 100% है, लेकिन ये कहीं पे भी जाके रुक सकती है। अब वोट परसेंटेज रात तक, अभी जब लाइन में लगते हैं लोग तो 8 बजे तक वोटिंग करते हैं, फाइनल जो है वो 9 बजे तक ही आ पाएगा डेटा, 9 बजे तक आएगा, उसके बाद ही मैं वोट शेयर जब देख के बता पाऊंगा कि एग्जैक्ट फिगर क्या होगी। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि 120 से ज्यादा सीटें मिलने की के अनुमान है। मतलब आपका ये आकलन कहता है इस हिसाब से जो है 120 सीटें कांग्रेस के 120 से ऊपर जाएगी, 120 तो कम से कम आनी चाहिए, कम से कम आनी चाहिए। सुमित जी इत्तेफाक करते हैं आप? बिल्कुल, मैं जैसे न्यूज 24 मतलब राजस्थान में किसी को कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि जो आंकड़ा बता रहा है कि भैया ठीक है सब रिलैक्स है, बीजेपी भी जानते कि भैया हम चुनाव हार जाएंगे, ये आंकड़ा एग्जिट पोल कम से कम ये बता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान में लग रहा है कि 120 को कांग्रेस पार कर जाएगी। देखिए एक बहुत बड़ा वहाँ पे इंसिडेंट हुआ जिसमें करीब 10 से 12 लाख क्विंटल गार्लिक जो है वो 2 रुपए किलो पे बिका है। आप सोचिए किसान जिसने अनुमान किया था कि 72 रुपए उसको मिलेंगे, उसे मात्र 2 रुपए मिले और सरकार ने कहा कि हमने 31 या 32 रुपए जो MSP दिया है वो मात्र 2 लाख क्विंटल के आसपास खरीद पाई सरकार, यानी बचा हुआ जो 10 लाख क्विंटल था वो 2 रुपए पे गया है। आप सोचिए उस समय जब 150 किसान या लगभग ऐसा कुछ विपक्ष कहती है कि 150 किसानों ने आत्महत्या की, तो ये मामूली बात नहीं है और किसानों का बेल्ट है। देखिए बढ़ोत का जो पूरा करीब करीब 64 सीट है वहाँ पे, वो पूरे एरिया में कांग्रेस को 2013 में कुछ 7 से 10 सीटें करीब करीब लगभग थी, अब वहां पे 35 सीटें 64 में से आने की संभावना है। ये कांग्रेस की मेहनत है मनोज जी आपको लगता है राजस्थान में, या फिर बीजेपी के लिए वसुंधरा का चेहरा यही काफी था कि भैया कम से कम डैमेज होगा तो वसुंधरा के सर पे सीट ठीक रखो? देखिए मैं पहले भी बोला आपसे और अभी भी मैं उस पर कायम हूँ कि बीजेपी ही बीजेपी को वहां हराई है, न कि कांग्रेस अपने बलबूते वहां जीत रही है। कोई चेहरा भी नहीं था, कोई मुद्दा भी नहीं था, इसके बावजूद जो मैडम थी उनको आज हारना पड़ रहा कांग्रेस से। जो मैंने आंकड़े देख रहे थे अभी और जो परसेंटेज देख रहे थे, जैसे ये बता रहे हैं कि नहीं, मेरा मानना है अजीत जी की बात को कि ये 120 नहीं 125 नहीं, मैं 135 तक की आंकड़े लेके चल रहा हूँ जो आंकड़े आ रहे हैं और ये बढ़ेंगे, क्योंकि इस बार जो ग्रामीण वोटर था वो तो पहले तो बीजेपी से दूर हुआ ही था, शहरी वोटर भी जो था इस बार काफी दूर था और ये टारगेट बना के रखे थे। 2-4 पीछे का डिस्टेंट भी देख लीजिएगा कि राजपूत किस तरीके से टूटे, इनके साथ और लोग कैसे टूटे, तो ये सारा चीज बता रहा था और इस पे कोई वर्क नहीं किया गया है, ना बीजेपी की तरफ से किया गया ना मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया, तो जो वोटर नाराज बैठे हुए थे वो बैठे रह गए इलेक्शन तक, किसी को इस पे कुछ लेना देना नहीं था कि हमें करना क्या है। यानी आप ये कह रहे हैं कि ग्रामीणों ने, मनोज जी, करीब करीब 70 विधायक जो सिटिंग विधायक थे वो 70 विधायकों की टिकट काट दी गई और कहीं ना कहीं उन्होंने वापस इंडिपेंडेंटली खड़े हुए और उससे भी बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए 70 एक छोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। 70 विधायकों की टिकट काटी थी। एक चीज मैं अजीत जी आपसे समझना चाहूंगा, जो बात यहाँ पर मनोज जी कह रहे हैं कि भाई अगर ग्रामीण इलाके में ज्यादा वोटिंग हुई है तो फिर ये डैमेज और ज्यादा बीजेपी को करेगा। हाँ देखिए, एक तरफ तो इनके अपने खुद कार्यकर्ता और आरएसएस के लोग नाराज हैं, जो इंटरनल रिफ्ट है वो तो है, इन फाइटिंग और इंटरनल रिफ्ट तो ऑलरेडी बीजेपी में थी, ये हर सर्वे में और हर जो भी पॉलिटिकल समीक्षक है वो सब बता रहे थे लगातार। साथ साथ जो एंटी इनकम्बेंसी, जनता में जो रोष थी, जनता में जो परेशानी थी वो अलग थी, किसान आंदोलन और किसानों से जुड़ा हुआ मामला एक अलग मामला था, तो हर तरफ से मार पड़ रही है बीजेपी को, कोई भी ऐसा नहीं है जहां वो सेफ है, जवान की तरफ से भी मार पड़ रही है और किसान की तरफ से भी मार पड़ रही है। ठीक, एक बार फिर से फाइनल टैली दिखा दीजिए राजस्थान की। अजीत जी, मैं एक चीज इस पे बोलना चाहता हूँ कि 2004 में अजीत जी भी थे और मैं भी था और जब अशोक गहलोत जी वहाँ मुख्यमंत्री थे, उस समय जब चुनाव हो रहा था तो एक शब्द उसमें सुनने को जो लोगों को मिलता था और ये मिलता था कि भाई
गहलोत जी मुख्यमंत्री तो काफी अच्छे हैं, मैं हाँ। उनको चाहता हूँ वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन दिक्कत क्या थी कि विधायकों के प्रति काफी नाराजगी थी और उन लोगों ने विधायक को हराया था और सरकार गिर गई थी। सरकार गिर गई थी तो ये लोकप्रियता दोनों चीज वही चीज होगी, लोकप्रिय वो बहुत ज्यादा है जी, विधायकों पर मार पड़ रही है, विधायकों पर मार पड़े लोकप्रियता तो लोकप्रियता रमन सिंह की भी है और लोकप्रियता के मामले में अगर हम कहें तो बाय एंड लार्ज तो थोड़ा बहुत बचा के रखा, ऐसे गिरावट आई है लेकिन फिर भी एक मुख्यमंत्री के लेवल पे लड़ने के लिए शिवराज जी के पास भी है लेकिन गिरावट आई है उसमें, ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका, लेकिन यहाँ पे जो है ना उलट है राजस्थान। एक छवि वहां पर ये भी हो गई छत्तीसगढ़ में, चावल वाले बाबा शराब वाले बाबा बन गए, वो तो विपक्षी देखिए जो ओवरऑल में एक ओवरऑल पिक्चर बता रहा हूँ कि अगर 100 व्यक्ति में अगर हम 100 लोगों से बात करें और 100 लोगों में अगर 55 लोग मुझे ये बोल रहा है या 51 लोग भी बोल रहा है कि वो सही अच्छा बोल रहा है तो आप मानेंगे कि वो अच्छा है क्योंकि 50% और हमारे यहाँ तो FPTP सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट है, हम तो अगर 3-5 लोग खड़े हैं और सबको 10-10,000 वोट आ जाए, इनको 10,000 एक आए तो यही विधायक हो जाएंगे जी, उसमें अगर 30% लोग भी बोलेंगे। बड़ी अचरज की बात है कि नोटा इसके बावजूद इस्तेमाल होता है और ये बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है मैंने पहले भी ये बातें कही हैं लोकतंत्र के लिए कि नोटा आने से हो सकता है आने वाले समय में लोग नोटा ज्यादा इस्तेमाल करें और इलेक्शन कमीशन को एक स्टेप लेना पड़े कि हाँ भाई नोटा इतना ज्यादा हो गया है कि अब हमको इलेक्शन रद्द करके इन सारे लोगों को ना लेते हुए पूरी तरह से नए लोगों को लेना पड़ेगा, अदरवाइज ये इलेक्शन नहीं होगा। ये जिस दिन हो जाएगा उस दिन नोटा का उपयोग जेन्युइनली बढ़ जाएगा। ठीक, तेलंगाना की हम तस्वीर दिखाएं कि मिश्रा क्विक रिएक्शन राजस्थान पर और फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे जिसका आकलन यहां पर मोदी वर्सेस राहुल किया जा रहा था, किसने कितनी रैली की, कहां पर किसका इफेक्ट पड़ा, कहां पर राजस्थान मिजोरम साथ साथ इसके साथ साथ जो तमाम राज्य हैं वहां पर क्या कुछ तस्वीर रही उसका भी जिक्र करेंगे। तेलंगाना की तस्वीर हम बाद में दिखाएंगे लेकिन पहले जल्दी से AK मिश्रा साहब राजस्थान पर एक क्विक रिएक्शन दे दीजिए फिर तेलंगाना की तस्वीर भी पूरी की पूरी दिखाते हैं हम। देखिए इंदिरा गांधी कहा करती थी कि कांग्रेस को अगर कोई तोड़ सकता है या हरा सकता है तो कांग्रेस ही हरा सकते हैं। बीजेपी अगर कांग्रेस में हारती है सॉरी बीजेपी अगर राजस्थान में हारती है और बुरी तरीके से हारती है और कांग्रेस इमर्ज करती है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर ये होगा कि वसुंधरा राजे के कारण जो इंटरनल कॉम्पिटिशन था वो बड़ी है कि संघ है तो संघ वालों ने या बीजेपी वालों ने मना कर दिया होगा कि भाई हम इनको उतना सपोर्ट नहीं करेंगे, इनको हारने दो ताकि इनका कद कम हो जाए। तो अगर ये फैक्टर वहां ज्यादा काम किया होगा तो डेफिनेटली वहां पे हार के जो है चांसेस इनके ज्यादा बढ़ जाएंगे और हो सकता है कि कांग्रेस वहां पे उभर जाए। ठीक है, आप तेलंगाना की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तेलंगाना की तस्वीर एक बार फिर से आपको बता दें, इंडिया टुडे का सर्वे बता रहा है कि भैया बीजेपी को 1-3 सीटें मिल रही हैं जबकि कांग्रेस के खाते में 21-33 सीटें आ रही हैं। तेलंगाना का राज्य जहां पर TRS के खाते में आप देखिए ये आंकड़ा देख रही है जहां पर बीजेपी कांग्रेस के इतर TRS क्या वाकई में चमत्कार करेगी, एक बड़ा सवाल तेलंगाना के सामने जहां पर लगभग 80-91 सीटें मिल रही हैं TRS को और साथ ही साथ अन्य के खाते में 4-7 सीटें आ रही है। टाइम्स नाउ का सर्वे क्या कुछ कहता है, बीजेपी के खाते में 7, कांग्रेस के खाते में 37, TRS के खाते में 66 जबकि अन्य के खाते में 9 सीटें, जबकि न्यूज नेशन का सर्वे ये कहता है कि 3 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, कांग्रेस को 53 सीटें तेलंगाना में जबकि TRS को 55 सीटें तेलंगाना में, अन्य के खाते में 8 सीटें, जबकि रिपब्लिक का एग्जिट पोल ये बताता है कि 4-7 सीटें बीजेपी को, 38 सीटें से लेकर 52 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है इसके बीच में, जबकि 50-65 सीटें TRS और जबकि अन्य के खाते में 0-14 सीटें मिल सकती हैं, जबकि सी वोटर ये बता रहा है कि 5 सीटें बीजेपी, कांग्रेस के खाते में 53 जबकि TRS के खाते में 54 सीटें और 7 सीटें अन्य के खाते में आ सकती है। तेलंगाना की तस्वीर यानी कि इस हिसाब से अगर देखें तो एग्जिट पोल सभी यही बता रहे हैं कि TRS क्लीन स्वीप करेगी वहां पर और इसका ही हिसाब किताब पहले एग्जिट पोल के साथ साथ ओपिनियन पोल में भी लगाया जा रहा था। यह तेलंगाना की तस्वीर आपके सामने, ये तमाम चैनल्स का एग्जिट पोल हमने आपके सामने रखा। एक बार फिर से सुमित जी, एग्जिट पोल तेलंगाना क्या कहते हैं आप, देखिए क्लियर था तेलंगाना जैसी जगह जो है वो वहां पे रीजनल डोमिनेंस जो है वो बहुत अधिक होता है और ये समझना होगा कि साउथ के जितने एरियाज हैं, इनफैक्ट तेलंगाना एक तरीके से साउथ नहीं है लेकिन जितना रीजनल इन्फ्लुएंस होता है रीजनल पार्टी का वो नेशनल पार्टी जाके नहीं कर सकती। दो बहुत बड़े कारण होते हैं कि अभी बीजेपी के पास जो लीडरशिप है
वो केवल दिल्ली में बैठे कुछ कुछ लोग कहते हैं दो लोगों की सरकार है, कुछ लोग कहते हैं ढाई लोगों की सरकार है, लेकिन वो कुछ गिने चुने चेहरे हैं जिनके अलावा प्रोजेक्शन के लिए रीजनल जोन्स में उनके पास लोग नहीं हैं। जी। और दूसरी चीज ये है कि किसी भी जगह पे अगर वो खाता खोलते हैं, जैसे 4 से 7 सीटें अगर उनको आती हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप देखिए ये सीटें कांग्रेस जैसी पार्टी को जब मिलती हैं तो वो इससे उनको रीजनल पॉलिटिक्स से ज्यादा राज्यसभा में अपने लोगों को पुट करने के लिए आसानी होती है, इसलिए ये सीटें कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये कह रहे हैं कि अगर तेलंगाना में कांग्रेस अच्छा करती है तो ये उसके लिए जो है कम से कम लोकसभा चुनाव के लिहाज से सही है, भले ही सत्ता जा रही है कोई दिक्कत। राज्यसभा की जो सीटें नॉमिनेट होती हैं उसमें इन विधानसभा की जो सीटें हैं उनके वोट होते हैं। ठीक, एके मिश्रा, टीआरएस तेलंगाना हैरान तो नहीं हुई ना आपको? नहीं नहीं, उसमें मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। देखिए बीजेपी में जो लीडरशिप है वो मोदी है या ऐसे लोग हैं जिनकी सभ्यता या बोली भाषा भाषण वगैरह हिंदी कल्चर को सूट करती है। साउथ इंडिया का जो कल्चर है द्रविड़ियन बेस्ड कल्चर है जहां लैंग्वेज और बहुत सारी चीजें डिफरेंट है, उसके लिए बीजेपी और आरएसएस का संघर्ष यही है कि साउथ इंडिया से वो उतना प्रभावशाली नेता आज तक नहीं पैदा कर पाए जैसे हिंदी क्षेत्र में है, तो इसके कारण वहां उनसे बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस की अभी उम्मीद नहीं की जा सकती है। सेम आप बंगाल में देखिए। दूसरी चीज ये है कि अगर ये जो है कांग्रेस की सीटों की बढ़ोतरी होती है भले सरकार बनाए या ना बनाए, कांग्रेस के लिए ये संजीवनी की तरह काम करेगा। सबसे पहला असर उनको ये होगा कि वो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे, सेंट्रल उनकी जो टीम है वो भी मोटिवेट हो जाएगी, उसके साथ साथ आप रीजनल टीम है, राज्यसभा वगैरह ठीक है वो सब चीजें चलती रहेंगी, लेकिन कांग्रेस के लिए जो सबसे जरूरी, देखिए कांग्रेस कहीं पे भी जीत जाए सबसे जरूरी और इमीडिएट बेनिफिट होगा कि एक उसके अंदर मतलब एक जैसे बेहोश पड़े हुए आदमी के अंदर सांस आ जाए, उनको मोटिवेशन मिलेगा, उनको संजीवनी मिलेगी। इस वक्त कांग्रेस को यही जरूरत है जो हर स्टेट में हारती जा रही है, तो तेलंगाना का स्टेट कांग्रेस के अंदर संजीवनी फूकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मनोज जी आपको भी लगता है कि, लेकिन टीआरएस तो राहुल गांधी कहते रहे भैया बी टीम बी टीम बी टीम। देखिए चावला जी दो चीजों से इसको देखेंगे, जैसे सुमित जी ने भी बताया और मिश्रा जी ने भी बताया कि कहीं ना कहीं नॉर्थ और साउथ का जो मिलन है पॉलिटिक्स का वो नहीं रहा है, लैंग्वेज के हिसाब से देखिए, सारे चीजों के हिसाब से देखिए। मेरा मानना है कि तेलंगाना जो है टीआरएस ने सरकार गिराने के बाद जो सरकार के लिए पॉइंट किया कि हम इलेक्शन में चलेंगे, उसने एक दो चीजों का गेम किया कि पहले तो वो अपना पता लगाना चाह रहा था कि मैं जाने के बाद मैं आऊंगा किस रूप में। दूसरी बात है कि कांग्रेस के लिए जब भी साउथ में कमजोर होते गए या नीचे के प्रदेशों में कांग्रेस जब जब भी कमजोर हुई वहां रीजनल पार्टियां उभर आई और बीजेपी को कोई वहां चांस भी नहीं था कि अपने आप को सेट कर पाए, क्योंकि बीजेपी जब भी है कांग्रेस मिला जुला था लैंग्वेज के हिसाब से रीजन के हिसाब से, लेकिन बीजेपी हार्डकोर हिंदी भाषी क्षेत्र में ही अपने आप को जमा पाई। अब यहां क्या है कि अब इस रिजल्ट के बाद यदि तेलंगाना में मान लीजिए कि टीआरएस की बन रही है और बीजेपी कांग्रेस उसके नीचे के सीटों में आती है, इन्होंने कहा राज्यसभा में सीटें बढ़ेंगी या और ये करेंगे, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को वहां स्थापित करने के लिए दक्षिण में, और ये बहुत बड़ा अच्छा मौका रहेगा और उसके लीडर निकलेंगे, लोगों का फिर भी कांग्रेस के प्रति विश्वास बढ़ेगा। हम नॉर्थ की पॉलिटिक्स को साउथ की पॉलिटिक्स से साथ नहीं देख सकते हैं, इसलिए वहां कांग्रेस को स्थापित होने के लिए पुराना अपना राजनीतिक स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा हथियार हो सकता है। लेकिन अजीत जी मैं समझना चाहूंगा ये पूरा का पूरा, जैसे कि मनोज जी कह रहे टीआरएस का हिम्मत वाला फैसला था, विधानसभा भंग कर दी और जाएंगे भैया चुनाव में जाएंगे, और ठीक उसका जो फैसला है हिम्मत वाला फैसला दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो आंकड़े बता रहे हैं एग्जिट पोल के। देखिए जो शुरुआती दौर में तेलंगाना में जब टीआरएस आई थी तो टीआरएस ने सभी पार्टियों में स्प्लिट किया, लगभग 30 ऐसे विधायक थे जो कि जिनका स्प्लिट हुआ था दूसरे दूसरे पार्टियों से, और वो 94 उनके पास आंकड़ा आ गया था 93-94 के आसपास जो विधायकों का था सिटिंग एमएलए का, उसमें से 2-3 सिटिंग एमएलए को छोड़कर इन्होंने सबको टिकट दे दिया था। ये ओवर कॉन्फिडेंस में भंग किया और ओवर कॉन्फिडेंस में लड़े चुनाव, लेकिन लास्ट मोमेंट में फिर कांग्रेस ने भी बहुत मजबूती से लड़ा, उसने महाकोटाम ग्रैंड अलायंस किया, उसमें TDPI TGS आया और CPI को 3 सीटें मिली, TGS कुछ सीटें फ्रेंडली लड़ रही है और TDP लड़ रही है उसकी मेजर पार्टी 99 सीटों पर खुद कांग्रेस लड़ रही है। वहाँ मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, जो अभी मैं आंकड़ा देख रहा हूँ उस आंकड़े से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हम लोग जब जिस दिन रिजल्ट दिखा दीजिए जी को प्लीज, तेलंगाना वाला जी आप बोलिए सर।
तेलंगाना का जो ये आंकड़ा मैं देख रहा हूँ, इसमें मुझे जो ऊपर वाला है इंडिया टुडे एक्सिस वाला आंकड़ा जो है 79-91, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं। मुझे लगता है वहाँ बड़े कांटे की टक्कर है और वहाँ पे जो है ना थर्ड फोर्स जो BSP हैं या अन्य हैं उनमें भी होगा और BJP का वहाँ कहीं ना कहीं इनरोड हो रहा है। BJP में कहीं ना कहीं बढ़ेगी, सीटें बढ़ेंगी, सीट वोट शेयर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा 100%, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि सर क्लीन स्वीप आराम से हो जाएगा TRS का। हाँ, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि क्लीन स्वीप होगा। मुझे ये लग रहा है, मैं एक बार डाटा देख लूँ, 8 बजे तक वोटिंग होती है, जो फाइनल आपका एग्जिट पोल का जो डेटा आता है वो 8 बजे 9 बजे तक कंपाइल होता है। मैं एक बार उसको देखने के बाद ही इस पर अपनी राय व्यक्त कर सकता हूँ फाइनल। ठीक ठीक, हम फाइनल कमेंट ले, उससे पहले एक दिलचस्प आंकड़े आपको दिखा देते हैं। ये आंकड़े वाकई में इसलिए दिलचस्प है क्योंकि वर्सेस मोदी वर्सेस राहुल का जिक्र किया जा रहा था। आइए जरा कुछ और आंकड़े जल्दी से आपको दिखा देते हैं, फिर सब पे फाइनल कमेंट लेंगे। ये आंकड़े हैं चुनाव में किसका कितना दम है और ये दम दिखाते हैं आपको। राजस्थान के हिसाब से बात करें तो लगभग 200 सीटों पर नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल। यहां पर देखिए चुनावी रैलियां किसने सबसे ज्यादा की, राहुल गांधी ने 20 रैली और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में देखिए 21 रैली और 10 रैली राहुल गांधी ने। अब आगे बढ़िए, आगे दिखाते हैं आपको कि छत्तीसगढ़ में किसने रैली की, 4 रैलियां की नरेंद्र मोदी ने जबकि राहुल गांधी ने 21 रैलियां की। तेलंगाना में 5 मोदी ने और 14 रैलियां की राहुल गांधी ने। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे अगर बात करें 5 राज्यों में 32 रैलियां कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी ने की और 82 रैलियां जो है राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी की जनसभाओं का जोर देखिए और ये इफेक्ट क्या ग्राफ ये बढ़ेगा, ये जल्दी से फाइनल कमेंट सबका। राहुल गांधी का ग्राफ क्या ये आंकड़ा बताता है जो अब हमने देखा एग्जिट पोल में, जो तस्वीर सामने आ रही है, भले ही चुनाव हारे या जीते लेकिन कांग्रेस के लिए संजीवनी। जल्दी से फाइनल कमेंट देखिए, अब वो पप्पू के जो इमेज है उससे तो बाहर निकल चुके हैं एंड ये कमेंडेबल है कि वो मोदी के सामने नहीं खड़े हो सकते, ये बड़ा क्लियर है, लेकिन फिर भी अब उन्होंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया है। इम्प्रूवमेंट किया, फाइनल कमेंट AK मिश्रा जल्दी से। नहीं देखिए, पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है ना, आपके अच्छे कामों के कारण उतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिलता जितना अपोजिशन या जो आपकी विपक्षी पार्टी है उसके गलतियों के कारण। तो राहुल गांधी को जो या कांग्रेस को जो फायदा मिलेगा वो उनके अपने प्रयास कम है उस पार्टी के, BJP में जो कमियां आई हैं, ये वादे पूरे नहीं कर पाए हैं, वो सारी नाराजगी शिफ्ट होगी जहां पे भी कांग्रेस है या कोई और पार्टी है तो वहां शिफ्ट होगी। 2-4% तो इनसे नाराज हुए ही है ना, नोटबंदी वगैरह और इनके सारे जो वादे थे, तो ये बेनिफिट डेफिनेटली हो जाएगा। आंकड़ों की जुबानी बूस्ट अप मिलेगा कांग्रेस को। अजीत जी देखिए, जितने भी सर्वे आते हैं इससे पहले, जब भी जो भी सर्वे एजेंसी सर्वे कर रहे थे और वो नेशनल लेवल पे जो पोल दिखाते थे उसके पोल्स और पोल को भी अगर आप देखते हैं जी, तो उसमें लगभग राहुल गांधी का 18-19% का उसका एक्सेप्टेबिलिटी रहता था, रेटिंग रहता था। प्राइम मिनिस्टर से अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करते थे कि प्राइम मिनिस्टर के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं, आप नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं या राहुल गांधी को, आज के डेट में वो आंकड़ा बढ़ के चला गया है 34% पे, कहीं कहीं पे 42 है, कहीं 36 है। तो ये तो ग्राउंड लेवल पे ये सर्वे से स्पष्ट हो चुका है कि राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ी है। ठीक, लेकिन अभी जब 11 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो असली जो असली स्थिति है वो उनका पता चलेगा कि भाई कितना ग्राउंड पे उन्होंने कितना काम किया है, क्योंकि वो रिजल्ट जो है ज्यादा कंक्रीट होता है। जो सर्वे अगर हम लोग जो ये दिखा रहे हैं इस पे बहुत सारे लोग ऐसा है कि वो शंका व्यक्त करते हैं, लेकिन स्वीकार्यता अगर उनकी नहीं होती तो इतनी रैलियां कैसे करते। और जितने भी प्रेक्षक हैं, जितने भी चुनावी प्रेक्षक हैं या जितने भी ऑब्जर्वर हैं, जो राजनीतिक ऑब्जर्वर हैं, वो सभी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी की स्वीकार्यता हर जगहों पे, चाहे उन्होंने पहले से बढ़ी है, हाँ पहले से नहीं, रैलियों में संख्या बढ़ी है, भीड़ बढ़ी है। मैं फाइनल कमेंट, मनोज जी फाइनल कमेंट आपसे, ये बूस्टअप किसके लिए, क्योंकि शुरुआत में आपने जो बात अभी अजीत जी कह रहे हैं वो शुरुआत ही आपने उसी बात से की थी, ये कांग्रेस के लिए बूस्टअप है या राहुल गांधी के लिए? देखिए, कांग्रेस और राहुल गांधी, मेरा मानना है कि कांग्रेस ने एक समय गलती की थी जो पिछले 10-15 साल पीछे की मैं बात करूं, कि कांग्रेस ने एक जगह सत्ता को एकदम केंद्रित कर दिया था और कोई भी नीचे लेवल पे लीडर नहीं थे, कोई भी उनका पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। आज के डेट में क्या है कि ये कांग्रेस जीत कर आती है तो इनके स्टेट में कुछ लीडर ऐसे हैं जो यंग हैं, जो जिनको देखना चाहती है पब्लिक, ये उभर कर आएंगे। उनको पता है कि मुझे इस राज्य की राजनीति करनी है, सेंट्रल में तो राहुल गांधी ही है, और ऐसे होने से क्या होगा कि ये सत्ता के करीब जाएंगे, सेंट्रल के करीब जाएंगे। चलिए मनोज जी, सर उधार ले रखा है मैंने, फाइनल जल्दी से 10 सेकंड में। एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल जो कांग्रेस के साथ हुई थी जिससे ये पप्पू बनते ही नहीं, वो थी कि जब मौका था तब राहुल गांधी को भले ही 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए वो प्रधानमंत्री बना देते
तब ये पप्पू इमेज बनती ही नहीं और एक वो पूर्व प्रधानमंत्री की तरह पूरे देशभर में दिखते, जो कि कांग्रेस कर सकती थी लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आज बहुत अच्छा लगा, आप सभी एक्सपर्ट्स ने अपने तरीके से अपने आपने आपसे हिसाब से आकलन किया।